आज के इस कार्यक्रम में जितने लोग हमारे बीच जुड़े हैं सभी का स्वागत है। मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच कई गणमान्य लोग भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे आज के रिसोर्स पर्सन हैं, वो भी जुड़ गए हैं। आज इस कार्यक्रम के जो संचालन करेंगे मनीष वर्मा सर, वो भी जुड़ चुके हैं। और कई अच्छे अच्छे लोग भी, अखिलेश सर को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, नसीम साहब भी हैं और कई और लोग भी हैं। टीसीटी वेस्ट हैदराबाद के हमारे फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो सभी लोग जुड़ गए हैं। और आज हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग को पता ही है, और कुछ अगर नए साथी जुड़े हैं तो उन्हें बताया जाए कि 29 तारीख को एक हमारे निदेशक महोदय की अध्यक्षता, डॉक्टर हिमांशु दास सर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां पर ये तय है कि सभी लोग जानते हैं कि आज के दौर में ऑनलाइन टूल्स और वेबिनार की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई। इस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक तय किया गया कि क्यों ना कि जो वेबिनार किए जा रहे हैं, इनसे इसको और सफल बनाने के लिए हम कॉम्पिटेंसी डेवलप करें, जो हमारे और भी फैकल्टी मेंबर हैं, टीसीटी वीएच के मेंबर हैं, और भी जो लोग हैं। और इसके लिए तय किया गया कि हम लोग ऐसे वेबिनार का आयोजन करें जो सिखाए कि वेबिनार कैसे आयोजित कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में 6 वेबिनार प्लान किए गए थे, जो आज यह 5वां है इस श्रृंखला का। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे बनाते हैं, दूसरे दिन जाना हमने कि मीटिंग कैसे शेड्यूल करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं, मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज करना है, तो आप कैसे शेड्यूल करते हैं। फिर हमने ये भी जाना कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे होते हैं। फिर आज हम लोग इसको जान रहे हैं कि जो प्रेजेंटेशंस हैं या ऑनलाइन डॉक्स हैं, कोई ब्रोशर बनाना है, कोई और पैम्पलेट या डिजाइन करना है, तो कैसे करें। इस वेबिनार में एक आवश्यक पहलू है कि आप एक ब्रोशर बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, और इन सब के लिए जरूरी होता है, या प्रेजेंटेशन बनाते हैं, इन सब के लिए जरूरी होता है कि आप एक बेहतर वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग जो सिस्टम है, जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, या कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स गूगल डॉक्स है, या फिर प्रेजेंटेशन के लिए गूगल स्लाइड्स या माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन के जो पावर पॉइंट है, तो इन सबको की समझ एक रखें। तो आज के इस बदलते समय में कहीं ना कहीं ऑनलाइन टूल्स की चीजें, आवश्यकताएं बढ़ी हैं, और उसमें भी ओपन सोर्स की। तो हम लोग कोशिश यहाँ यही कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे ही चीजों को आप सबसे शेयर करें जो ओपन सोर्स में या फ्री हैं, और वो टूल्स आप हम सब यूज कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को आगे संचालन करने के लिए हमारे बीच मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मनीष वर्मा सर को। मनीष वर्मा सर यहाँ पर राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगन सशक्तिकरण संस्थान, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज के सीनियर रिसर्च ऑफिसर हैं, और उनके मार्गदर्शन में कई जो प्रोडक्ट डिजाइन किए गए हैं। इनके साथ साथ ये पूरा जो हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेल अप्लायंसेस यूनिट है, काफी बड़ा विभाग है ये, उसे भी देखते हैं, जहां पर ब्रेल स्लेट से संबंध, छड़ी लेकर के हर कुछ डिजाइन होता है। और अभी हाल में ही सर ने बहुत सारे चीजों का रिसर्च डिजाइन किया है जो डिसेबिलिटी से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे करेंसी को चेक करने के लिए भी सर का रिसर्च अंडर प्रोसेस है। इसके अलावा भी कई ऐसे हैं, अभी COVID-19 में भी उन्होंने बिना हाथ से छुए कैसे डिस्पेंसर बनाया जाए, उन्होंने खुद यहाँ पर इन हाउस डिजाइन किया और उसको लाया। तो कई ऐसे नवाचार सर करते रहते हैं। तो आज हम लोग बड़ा फॉर्चुनेट है कि आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, पूरा आगे संचालन करने के लिए सर नेतृत्व कर रहे हैं। तो मैं SR Roopi सर से निवेदन करूंगा कि सर आए, सर का स्वागत है। मनीष वर्मा सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आप हम शुरुआत करेंगे प्रोफेसर SK कुलश्रेष्ठ जी से। मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि वर्तमान में वो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं, और आपने NPG कॉलेज से, हनुमानगढ़ से MA किया है, और MPhil आपने MDS यूनिवर्सिटी से किया है, PhD आपने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से किया है। अगर अनुसंधान रुचियों के बारे में बात की जाए तो आपने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इश्यूज एंड इकोनॉमेट्रिक एनालिसिस आपका रुचि है, और आपने कई शोध पत्र लिखे हैं जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में। और जहाँ तक बात की जाए इकोनॉमिक्स के, आपने कई किताबें जो है इकोनॉमिक्स की उसमें एडिटेड एडिट भी किया है। तो सर, समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ बताएं सर। धन्यवाद सर। जैसा कि हम जानते हैं सर, हम सबसे पहले गूगल डॉक के बारे में बात करेंगे, भाई गूगल डॉक की आज उपयोगिता क्या है। फिर अपने ब्रोशर के बारे में बात करेंगे, भाई हमारे जो भी हम वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस या इस प्रकार की कोई भी आयोजन करते हैं,
तो कहां तक वो सार्थक है या कहां तक वो अपने यूजफुल हो सकता है गूगल डॉक। तो सबसे पहले जो हमने बात की होगी गूगल की, जैसे कल बात की होगी गूगल पे पहले जो बात चल रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है गूगल की किसी भी ऐप की बात ही होती है कि हम उसको, हमको सेव करने की आवश्यकता नहीं होती। सेम चीज यहाँ अप्लाई होती है कि गूगल के डॉक्यूमेंट को अपने सेव करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात कि हम उसको किसी भी सिस्टम से कर सकते हैं। आपने ऑफिस में लैपटॉप या कंप्यूटर से काम किया, घर गए आप, आपने मोबाइल से भी उसको एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि आपका वो ऑल द टाइम वो आपके पास अवेलेबल रहता है। इसके साथ ही इसकी तीसरी विशेषता ये होती है कि इसमें एक साथ कई व्यक्ति काम कर सकते हैं। सपोज करो आपने को ब्रोशर बनाना है, ब्रोशर के तीन डायमेंशन है या तीन, आप सपोज करो तीन आपके पास पेजेस हैं, तीनों पेजेस के अंदर अगर सपोज करो एक पेज आपने किसी को दे दिया, दूसरा किसी को दे दिया, तीसरा किसी को दे दिया, और ओवरऑल उसमें करेक्शन करना है तो सब देख भी पाए उसको, तो अपने गूगल डॉक उसमें बहुत काम आता है। अगर अपने को तीन या चार या जितने पेज का डॉक्यूमेंट हो तो ये सब चीजें क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण फीचर जो इसका है वो ये है कि अपने पास अगर एमएस वर्ड की फाइल है तो उसका डॉक में यूज कर सकते हैं, डॉक की फाइल का एमएस वर्ड में यूज कर सकते हैं। तो मोटा मोटा ये ही इसका लबल लवाब है। मैं थोड़ा सा आपको क्या है कैसे करते हैं मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहली बात जो होती है गूगल में जब भी हम कुछ करते हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो दो तरीके होते हैं। या तो आप क्या कीजिए, जो गूगल ऐप्स हैं उसमें आप गूगल डॉक पे जाइए डायरेक्ट, या आप क्या कीजिए ड्राइव से भी अपने गूगल डॉक पे जा सकते हैं। दो तरीके हैं इसके गूगल डॉक पे जाने के अपने पास। सपोज हम ड्राइव पे आते हैं तो ड्राइव पे हमको क्लिक करना होता है जैसे कि मैंने किया। उसके बाद जैसे ये न्यू ऑप्शन देता है अपने पास, तो न्यू ऑप्शन में हम क्लिक कर सकते हैं इसको, तो ये अपने से पूछ लेता है कि भाई आपकी आपकी जो फाइल है वो तो कौन सी फाइल आप बनाना चाहते हो, स्लाइड बनाना चाहते हो, शीट बनाना चाहते हो। मेरे ख्याल से कल इससे बात हुई होगी कि किस तरह शीट बनाते हैं। और कोई फाइल अगर सपोज करो आपके डेस्कटॉप पर है, आपने कुछ काम किया है, ब्रोशर पे किया है, किसी और पे काम किया है आपने, तो उसको अपलोड भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम वर्ड की फाइल को डॉक में चेंज कर सकते हैं, तो आप अपलोड जैसे वर्ड की फाइल को अपलोड करोगे तो अपने आप गूगल डॉक हो जाएगी। और सब और अगर आपने को नया कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो अपने गूगल डॉक में डायरेक्ट जा सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने गूगल डॉक बताया। मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे यहाँ सेमिनार और वेबिनार में ये किस तरह उपयोग होगा और साथ में इसके नए फीचर क्या है। अगर मान लो कोई आप में से कोई अगर मान लो कम यूजफुल हो पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ देखने में ये आ रहा है कि हम जो गूगल जो एम एस ऑफिस यूज कर रहे हैं वो या तो 3 कर रहा है कोई, कोई 7 कर रहा है, कोई 10 कर रहा है, कोई 13 कर रहा है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये जो गूगल डॉक है ये 16 को कम्पीट करता है। अगर कोई 16 पे काम कर रहा है और वो गूगल डॉक उसको कम्पीट कर रहा है, यानी कि अगर आपने 7 पे काम कर रहे हो, 10 पे काम कर रहे हो, 13 पे काम कर रहे हो, तो इससे बेटर ये हुआ कि आप गूगल डॉक्यूमेंट पे काम कीजिए। तो इसके कुछ फीचर्स हैं तो मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा क्योंकि बहुत लंबा है ये फीचर्स इसमें। सबसे पहले बात तो अगर जब भी हम कभी गूगल ये डॉक पे काम करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि टाइटल हम जो उसको चाहते हैं वो टाइटल इसका आपने कोई भी चेंज इसका टाइटल अपने करना चाहे तो इस पर दो बार क्लिक करना होता है या एक बार क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। इसको सबसे पहले आपको डिलीट करना पड़ेगा। जैसे आप डिलीट करेंगे तो वेबिनार आपने इसमें टाइप कर दिया। और एक फीचर ये है कि आप जो भी गूगल पे करेंगे इसमें तो उसको सेव करने की आवश्यकता नहीं है। गूगल चाहे स्लाइड कर रहे हो, चाहे शीट पे काम कर रहे हो, चाहे डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो, सेव कहीं भी आपको नहीं करना। कोई भी कंट्रोल है इसका बटन नहीं दबाना आपको, जैसा कि हमको एमएस वर्ड में करना पड़ता है। और जो इसके फीचर डिफरेंट है उस पर अपने बात करें, अगर जैसे फाइल की अगर बात करें तो एक अपने पास शेयर ऑप्शन जो आता है, इस शेयर ऑप्शन का मतलब ये होता है कि इस फाइल को आप यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं, जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। और एक देखो यहाँ साइड में ये भी आ रहा है, इससे भी अपने शेयर कर सकते हैं। अगर लॉक कर रखा है अपने तो इसका मतलब अभी अपने ये शेयरेबल नहीं है। लॉक का मतलब ये, अनलॉक अगर हो जाएगी तो इसका मतलब ये शेयरेबल है। न्यू का, ओपन का ऑप्शन वही ऑप्शन है जो ऑप्शन हम एमएस वर्ड में करते हैं, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। तीसरा ऑप्शन जो है इसका वो है मेक ए कॉपी। मेक ए कॉपी ऐसा ऑप्शन होता है कि सपोज करो आपने कोई करेक्शन किए और आप चाहते हो उसके बाद ही करेक्शन आप करना चाहते हो और उस कॉपी को आप कहीं और भेजना चाहते हो किसी और के लिए करेक्शन के लिए,
या हो सकता है कि आपने सपोज करो 3 पेज की आपको ब्रोशर बनाना है, तो ब्रोशर पे एक पेज पे आपने काम कर दिया, दूसरे पेज पे थोड़ा बहुत कर दिया, उस पर करेक्शन के लिए आपको कहीं भेजना है किसी को, तो आप मेक ए कॉपी उसकी सेम टू सेम उसको क्लिक करेंगे तो उसकी कॉपी बन जाएगी। जैसे मैंने अगर सपोज क्लिक करूंगा इसकी, तो कॉपी ऑफ वेबिनार जो टाइटल है टाइटल वैसा का वैसा रहेगा इसका। तो अब अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और अब इसमें इसमें दो ऑप्शन आते हैं अपने पास, शेयर इट विद सेम पीपल, यानी कि जिनको आपने पहले से शेयर कर रखा है, जिन लोगों को उनके साथ शेयर करोगे तो उसमें क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई शेयर के साथ साथ जो कमेंट हो रहे हैं उस पर वो भी मुझे दिखते सबको दिखे, तो इस पर ये क्लिक आप कर सकते हैं। तो इसके साथ आप ये मेक ए कॉपी एक अच्छा ऑप्शन आता है इसमें। उसके बाद आपने डाउनलोड, इसके अंदर एक अच्छा फीचर ये आया है कि जैसे अपने कभी ब्रोशर बनाते हैं, तो ब्रोशर अपने बनाते हैं कि इसमें अपने वर्ड में बनाएंगे, डायग्राम डालेंगे, टेबल डालेंगे, जो भी अपने ब्रोशर का सब बनाएंगे, किंतु जब भी हम उसको भेजना होता है तो हम वर्ड में ना भेज के उसको पीडीएफ में भेजते हैं, ताकि उसमें कोई नहीं कोई करेक्शन करके उसको आगे ना भेज पाए। तो हम जब डाउनलोड में जाते हैं तो ये हम डाउनलोड में एमएस वर्ड में ही डाउनलोड करना चाहते हैं या पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसा आपको पता होगा कि हम अधिकांश जो ब्रोशर होता है वो हम पीडीएफ में भेजते हैं। इसके अलावा वेब पर अगर वो काम करना चाहते हैं या मान लो आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं तो ये चीजें भी आप कर सकते हैं। तो ये इसका डाउनलोड का फीचर बहुत अच्छा है कि आपने ब्रोशर बनाया, ब्रोशर बनाते ही क्या किया आपने, आप उसको डाउनलोड एज ए पीडीएफ कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है, आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, डॉक्यूमेंट बना के अब अपने क्या करते हैं, पहले अपने बनाते हैं और फिर अपने किसको मतलब अपने उसको सब कुछ कर लिया, करने के बाद अपने को उसको भेजना है तो सीधे डायरेक्ट इसको अपने ईमेल से भेज सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया, डॉक्यूमेंट तैयार करते ही उसकी पीडीएफ कॉपी अपने वहां सेलेक्ट कर पीडीएफ कॉपी भेजना चाह रहे हो, पीडीएफ कॉपी भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं। तो यहाँ आप डायरेक्ट ईमेल से जिसको आपको ईमेल भेजना है उसको आप ईमेल भेज सकते हैं, उसको कुछ मैसेज करना है कि काइंडली करेक्ट, काइंडली चेक द ब्रोशर, कुछ भी कर सकते हैं आप, काइंडली चेक इट। तो आप किसी को भेजना चाहें तो आप लगातार इसको भेज भी सकते हैं, औरों को भेजना चाहें तो औरों को भेज सकते हैं, तो मल्टीपल एक साथ कितने को भेज सकते हैं। अगर आपको अटैचमेंट नहीं भेजना, सिंपल कोई मेल भेजनी है साथ में तो भी भेज सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी, और स्वयं को एक कॉपी भेजना चाह रहे हैं आप चाहते हैं कि भैया गया कि नहीं गया, किस रूप में गया है, तो आप स्वयं को भी अपनी एक कॉपी भेज सकते हैं। तो ये इसका जो ऑप्शन है ये बहुत अच्छा ऑप्शन इसने दिया है गूगल डॉक में, कि हम उसको अटैच करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट ही अपने भेज सकते हैं। मेक अवेलेबल ऑफलाइन, ये तो आप अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, हिस्ट्री का ये भी ज़्यादा वो नहीं है, रीनेम करना चाहो ये आपको पता नहीं। मूव का ऑप्शन ये होता है कि सपोज करो इसको आप दो चीज़ें होती हैं, या तो आपको इसको भेजना चाह रहे हो आप कीप में, गूगल का एक और फीचर होता है कीप, उसमें भेजना चाह रहे हो, ये एक प्रकार से आर्काइव टाइप से होता है, या आप इसको भेजना चाह रहे हो आपकी ड्राइव में, ड्राइव में ऑलरेडी होता है ये, तो ये ऑप्शन कर सकते हैं। शॉर्टकट बनाना चाहो शॉर्टकट बना सकते हो, इसको डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो एज ए पीडीएफ ग्रुप में जिस तरह पब्लिश करते हैं, जो ये फीचर सेम उसी के हैं जो अपने गूगल उसमें होते हैं, ऑफिस में होते हैं, वर्ड में होते हैं। डॉक्यूमेंट डिटेल देखना चाहो, लैंग्वेज देखना चाहो उसकी, पेज सेटअप ये अपने ब्रोशर में जो जिसका रोल होता है वो होता है पेज सेटअप। पेज सेटअप का रोल इसलिए होता है कि जब भी हम ब्रोशर बनाते हैं तो टेक्निकली हम ब्रोशर को किस तरह बनाते हैं, हम लैंडस्केप में बनाते हैं। तो लैंडस्केप में अगर आप ब्रोशर को बना रहे हैं, अगर पोर्ट्रेट में बना रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, किंतु ब्रोशर को हम हमेशा लैंडस्केप में बनाने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट राइट सेंटीमीटर ये आपको देखना पड़ेगा भाई, आपको कितना उसको छोड़ना है, कितना नहीं करना है, आपने 1 इंच कर दो या लेफ्ट राइट जितना भी करना चाहे आप कर सकते हैं इसको, तो बाय डिफॉल्ट इसको कर सकते हैं आप। पेज आपको कौन सा चाह रहे हो, आप लीगल चाह रहे हो, आप फोल्डिंग चाह रहे हो, लेटर चाह रहे हो, तो यहाँ से आप, यानी कि पेज सेटअप ऐसा फीचर होता है, और कलर भाई आप उसका बैकग्राउंड कलर कैसा चाह रहे हैं पेज का, तो ये चीजें जो है ये हमारे ब्रोशर में बहुत काम आती हैं। यानी कि ब्रोशर अगर आपको बनाना है तो पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट ये रखना है अपने को कि हमको पेज सेटअप करना है सबसे पहले। नाम देने के बाद, नाम दे दें उसका जो भी आप देना, नाम तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद दूसरा जो कड़ी है वो ये है कि हम उसका पेज सेटअप करें,
और पेज सेटअप किस तरह करना है वो डिपेंड करता है कि ब्रोशर का साइज कैसा है, ब्रोशर लैंडस्केप करना है, पोर्ट्रेट करना है, वो सब लेटर में करना है, कलर बैकग्राउंड कलर कैसा करना है, पेज का कलर कैसा रखना है आपको, ये सब आप कर सकते हैं। तो ये चीजें जो भी है आप इसको कर सकते हैं, ये जिससे ये पेज बन गया। तो ये जो है पेज सेटअप ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रिंट ये लास्ट का काम है, अगर प्रिंट देना चाहो ये वही प्रॉपर्टी जो अपने करते हैं। इसके बाद हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं इसका एडिट। एडिट के अंदर ज्यादा बताने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, कहीं से कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, पेज विदाउट फॉर्मेटिंग सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, कंट्रोल ए वाला ऑप्शन जो होता है फाइंड रिप्लेस, यानी ये ऑप्शन वही है जो कि एमएस ऑफिस के वर्ड में जो ऑप्शन एडिट में होता है वही ऑप्शन यहाँ आता है, तो इसमें ज्यादा कुछ चीज नहीं होती। व्यू की बात करें तो व्यू के अंदर प्रिंट लेआउट और मोड, प्रिंट लेआउट तो वैसा ही है जैसे अपने उसमें करते हैं, जैसे ये जो दिख रहा है वैसा प्रिंट लेआउट है। मोड की बात करें तो मोड में अपने पास ऑप्शन ही होता है, सपोज करो हम इसको एडिटिंग मोड में कर सकते हैं, तो इसको हमने शेयर किया तो कोई भी इसको एडिट कर सकता है इस डॉक्यूमेंट को। हम चाहते हैं इसका मोड ऐसा कर दें कि भी कोई एडिट ना करे, तो व्यू मोड में भी इसको अपने भेज सकते हैं वो देख पाए इसको, या सजेशन मोड में भी कर सकते हैं कि भाई कोई सजेशन भी अगर ऐड करना चाहे तो सजेशन भी कर सकते हैं। तो अपने वो डिपेंड करता है हम किस मोड में इसको रख रहे हैं और किस मोड में इसको हम भेज रहे हैं। तो इसमें जो ये मोड सेलेक्ट बाय डिफॉल्ट जो है ये एडिटिंग वाला ले को ही लेता है, तो इसी को भी अपने को देखना है कि भाई ये बाय डिफॉल्ट एडिटिंग लेता है और आप सजेस्टिव देना है वो सजेशन भी उसको इनकॉर्पोरेट वो दे सके या वो सिर्फ देख सके। और फिर आते हैं अपने रूलर पर, ये रूलर का ऑप्शन भी वर्ड के अंदर जो होता है वो होता है रिव्यू के अंदर। रिव्यू में भी क्या ऊपर एक रूलर का ऑप्शन आता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखो रूलर आ जाएगा यहाँ पर, आपको छोटा करना है, बड़ा करना है, साइज जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हमें कोई ब्रोशर बनाना होता है तो साइड में अपने को जगह कितनी छोड़नी है, रूलर का बड़ा रोल होता है उसमें। तो यहाँ जो है आप ये चीज भी कर सकते हैं। तो हम उसके बाद करेंगे अपने, अगर आप रूलर को नहीं देखना चाहते, आपको नहीं कुछ करना, नॉर्मल रखना है इसको, तो इसको आप क्लिक करोगे तो वो दिखना बंद अपने यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद शो डॉक्यूमेंट आउटलाइन, ये शो डॉक्यूमेंट आउटलाइन का मतलब ये होता है कि जितनी भी अपने हेडिंग दी हैं वो सब हेडिंग यहाँ आ जाती हैं। इसमें होता क्या है, इसको एमएस जो वर्ड होता है उसमें इसको ट्रैक बोलते हैं, ट्रैक करना होता है जो उसको। तो इसको क्या करेंगे अपने, सपोज करो भी अब इसमें तो अपने कुछ किया ही नहीं, या सपोज करो मैंने यहाँ कुछ डाल देता हूँ, पहले वन मिनट मैं कहीं से कोई कॉपी करता हूँ, सपोज करो मैंने कोई रिसर्च पेपर ही कॉपी किया, और ब्रोशर का भी हो सकता है, कोई ब्रोशर अगर आपके पास आपने बना लिया उसमें डिफरेंट टाइटल हैं उस टाइटल को भी अपने ले सकते हैं। जैसे मैं तो कोई छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा एक वर्ड का, मेरे पास डॉक्यूमेंट जो है, तो मैं ये कह रहा था कि सपोज करो अपने पास कोई ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताया जो शो डॉक्यूमेंट आउटलाइन होती है, ये भी ब्रोशर में बड़ा रोल प्ले करती है। कैसे प्ले करती है कि अपने जब भी ब्रोशर बनाते हैं तो अपने को पता होता है कि उसमें हेडिंग्स होती हैं, अबाउट द यूनिवर्सिटी होती है, अबाउट द वेबिनार होता है ना, अबाउट द जो भी पार्टिसिपेंट्स के बारे में एलिजिबिलिटी होती है वो कैन पार्टिसिपेट, इस टाइप के जो भी होते हैं टाइटल हो सकता है, तो वो जो उनके आउटलाइन अगर देखनी है अपने को तुरंत देखनी है, तो अपने बात कर रहे थे व्यू में, तो ये हम हेडिंग देखने के काम आती है, सो डॉक्यूमेंट आउटलाइन होती है, इसमें ट्रैक चेंज बोलते हैं। सो इक्वेशन टूल बार, इक्वेशन टूल बार उसमें भी होता है और इसमें भी होता है, इसमें अगर इक्वेशन डालनी हो अपने को कुछ और करना हो तो इक्वेशन टूल बार भी आ जाता है। इसके बाद अपने बात करें ब्रेक्स, जैसे उसमें पेपर ब्रेक्स होता है वो आ सकता है, फुल स्क्रीन का वही ऑप्शन है जो नेक्स्ट पेज और पेज ब्रेकअप का जो वर्ड में आपने काम करते हैं वही वही चीज दिखा रहा है, यानी वो जो चीज कॉमन है वो इसमें कॉमन चीज है। अब आयो इंसर्ट, इंसर्ट अपने लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब भी अपने जब ब्रोशर बनाते हैं तो अपने को क्या करना होता है, अपने को कोई ना कोई इमेज अपलोड करनी होती है। अगर अपने सिस्टम पर कोई इमेज है, सपोज तो लोगो है अपना, और अपने कोई वर्ड कुछ सपोज करो यहाँ मैंने कोई ब्रोशर के बारे में कुछ चीजें लिखी
उसके बाद मुझे लगता है कि भाई यहाँ लोगों को ही डालना है, आप इंसर्ट में जाके इमेज में जाके लोगो कर सकते हो। और लोगो इसमें अच्छी बात ये कि आप वेब से भी सर्च कर सकते हो लोग, आपको वेब से सर्च करना चाहो तो वेब से भी आप साइट में आपका वेब आइकन खुल जाएगा। या सपोज करो मुझे चाहिए कि भाई VMOU का लोगो चाहिए मुझे, मेरे का लोगो चाहिए मुझे, तो वो आप VMOU का लोगो भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। VMOU का इसने कुछ और बता दिया, यूनिवर्सिटी लिखता हूँ मैं इसको। तो आपको हाथों हाथ क्या है, आप यहाँ से भी लोगो ले सकते हो। ये ले दोबारा करेंगे अपने इसको, इंसर्ट में जाएंगे, अपने इंसर्ट में जाएंगे, इमेज में जाएंगे, इमेज में जाएंगे, सर्च फॉर वेब भी कर सकते हो, वेब से भी कर सकते हो। और अच्छी बात ये देखो, आप फोटो, कई बार क्या होता है अपने मोबाइल में फोटो होती है, मोबाइल में जो अपने गूगल से सेव करते हैं वो फोटोज, एक इनका ऐप होता है उसमें अपनी सारी फोटो सेव होती है, उसमें भी कोई अगर पड़ा है तो वहां से भी ले सकते हैं। और कैमरा अगर अगर यही काम आप सपोज करो मोबाइल से करोगे तो मोबाइल से भी आप फोटो तुरंत लेके भी आप कर सकते हैं। अपने बात करते सर्च फॉर्म वेब से करते थे, तो वेब से अपने ये करते थे सर्च फॉर वेब से जब हम करेंगे अपलोड कंप्यूटर से कर सकते हैं, कंप्यूटर में इमेज जो भी आपके पास है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप वेब से सर्च कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन है। उसके बाद आ जाए टेबल, हम टेबल अगर डालना चाहते हैं सपोज करो दो की, तीन की, तीन टू तीन की, सपोज करो आपके आपने यहाँ एक्सपर्ट का नाम लिख दिया, एक्सपर्ट के इंस्टीट्यूशन लिख दिया, टाइमिंग लिख दिया, कब का वो लेक्चर, टॉपिक लिख दिया, तो अगर आपको लेक्चर किसी भी प्रकार से अगर टेबल डालनी है ब्रोशर में या कहीं भी, तो आप इंसर्ट टेबल भी अपने कर सकते हैं। ड्राइंग करना चाहो तो ड्राइंग भी कर सकते हैं अपने, कहीं कुछ करना चाहें, पर ये कंप्यूटर पे नहीं होगा, टैबलेट के फीचर रही है। चार्ट डालना चाहें चार्ट डाल सकते हैं, फुट नोट डाल सकते हैं, हेडर पेज ब्रेक कर सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं कोई गूगल का, बुकमार्क कर सकते हैं, टेबल कंटेंट डालना चाहे कैसे डाल सकते हैं। तो ये इंसर्ट का है, मैं थोड़ा जल्दी करना चाहूंगा क्योंकि फिर टाइमिंग लेगी। अब फॉर्मेट पे आते हैं अपने, तो फॉर्मेट में जो होता है टेक्स्ट में, जैसे कि हम वर्ड में तो अपने को क्या होता है वो आइकन दिया होता है वर्ड में, जैसे आपको एक वर्ड अगर दिखाना, अगर आपको वर्ड देख पा रहे हैं तो वर्ड में तो ऑप्शन ऊपर ही दिया होता है, इसमें जो है ऑप्शन जो है नहीं दिया होता। वर्ड के अंदर जब ऊपर करते होम में जाते हैं तो वहां फॉन्ट का अलग ऑप्शन होता है, पैराग्राफ का, स्टाइल का, ये सारे ऑप्शन ऊपर ही दिए होते हैं, किंतु इसके अंतर्गत ऑप्शन जो है वो ऊपर नहीं ना देकर हमारे पास फॉर्मेट में दिए होते हैं। तो पैराग्राफ टेक्स्ट में आप कैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी करना चाहते हो, सब्सक्रिप्ट करना चाहते हो, साइज क्या करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस, कुछ भी करना चाहते हो ये अपने कर सकते हैं, स्टाइल भी आप कर सकते हो। ये सब जो है वर्ड में ऊपर ही दिया होता है, सब टाइटल, हेडिंग सब ये दिए होती है, इसके अंदर ये सब चीजें, बॉर्डर शेडिंग, बॉर्डर शेडिंग का अपने ब्रोशर में रोल होता है, अपने बॉर्डर किस तरह बनाना है, शेडिंग कैसे देनी है, अलाइनमेंट की बात करें तो राइट करना है, लेफ्ट करना है, अलाइनमेंट करना है, इंक्रीज करना है, इंडेंट करने की, पेज से पीछे या आगे पेज से अपने उसको करना है, ये भी अपने होता है। कॉलम, हम जब ब्रोशर बनाते हैं तो कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं ब्रोशर में, जैसे अपने सपोज को लैंडस्केप ले लिया हमने, और लैंड जैसे ब्रोशर में जनरली हम क्या करते हैं बनाने में, हम इसका यूज करते हैं थ्री का या टू का। जब हम थ्री का यूज करते हैं तो आपके पास इस समय तीन कॉलम आ चुके लिखने के लिए, ऐसा नहीं कि आप एक ही कॉलम को लिखते चले जाएंगे, आपके पास तीन कॉलम आ जाएंगे। देखिए ये देखिए आप, ये कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम यहां से शुरू होगा आपका, पहला कॉलम लिख दोगे फिर दूसरा यहां से शुरू होगा, तो ये क्या है जैसे इसको लिखते जाएंगे तो जब ये खत्म हो जाएगा तो दूसरा इधर से शुरू हो जाएगा इसके पास से, और तो तीसरा कॉलम यहाँ शुरू हो जाएगा। तो ब्रोशर में जैसे छोटे, जब भी हम ब्रोशर बनाते हैं तो हम यही करते हैं कि यहाँ तो अबाउट द यूनिवर्सिटी, अबाउट द इंस्टीट्यूशन, या हो सकता है पहला जो पेज बनाते हैं उस पेज में पहला पेज यहाँ आता है, जो लास्ट का जो तीसरा कॉलम है उसमें पहला पेज आता है जनरली। इसमें तो जो आपकी फीस स्ट्रक्चर, जो भी आप फीस देना चाह रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो गाइडलाइन देना चाह रहे हैं पार्टिसिपेंट को, वो आती है। दूसरे में अबाउट द यूनिवर्सिटी वाली चीजें आती है, तीसरे में लोगो, अगर पैट्रॉन कौन है, कौन कन्वीनर है, कोई कोऑर्डिनेटर है, वो यहाँ आता है, और ये इस तरह फोल्ड सा हो जाता है अगर आप उसको हार्ड में भेजना चाहें।
तो ये जो चीज है फॉर्मेट के अंदर जो अपने ने ये मैंने आपको बताई तीन चीजें, पहली बात तो हेडिंग फॉर्मेट में इम्पोर्टेंट है, ब्रोशर में इम्पोर्टेंट है, दूसरा फाइल में जाके पेज सेटअप करना पड़ेगा, पेंट सेटअप में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने को उसको लैंडस्केप करना है अगर आप ब्रोशर के संदर्भ में उसको कर रहे हैं। तीसरा जो आपको करना पड़ेगा वो मैंने बोला है कि जो फॉर्मेट जो होता है, फॉर्मेट में आप जाएंगे उसके अंदर अगर आपको टेक्स्ट देखना है आपको कहाँ बोल्ड करना है, कहाँ इटैलिक करना है, पैराग्राफ स्टाइल कैसा करना है, अलाइनमेंट, ये सब चीजें उसमें काम आएंगी आपके, इसमें आपका लाइनिंग स्पेस कैसी करनी है आपको, ये सब चीजें आपको इसमें काम आएंगी, ये सब चीजें पेज सेटअप नंबर सब इसमें काम आएंगी। तो ये जो है ये, और अगर सपोज करो आपने कोई फॉर्मेटिंग कर दिया, आप कहते नहीं फॉर्मेटिंग गलत हो गया, दोबारा इसको करेंगे फॉर्मेटिंग, तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, तो जैसा नॉर्मल होता है वैसा ये बन जाएगा। तो इसमें इस प्रकार से अपने ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो कॉलम में अपने को मैंने आपको बताई बातें, पहले तो वहां और दूसरा कॉलम, कॉलम में तीन कॉलम का जो बनता है वो अपना ये ब्रोशर में तीन कॉलम वाला ब्रोशर में अधिकांश अपने यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम टूल की बात करेंगे, टूल की स्पेलिंग और ग्रामर की जो बात करेंगे, ये तो ये आपने अगर ओके कर रखा है तो पहले ग्रामर चेक करता रहेगा कहीं मिस्टेक होगी, सजेशन अगर आपने क्लिक कर रखा है सजेशन देगा, स्पेलिंग का वो ग्रामर का दोनों का सजेशन आपको ये दे देगा। ये जो वर्ड की प्रॉपर्टी है या डिस्कस करने वाली बात नहीं है, वर्ड काउंट जैसे वर्ड में काउंट करते हैं वो, ये आपने एक शब्द लिखा है पांच शब्द लिखे हैं वो अपने नीचे काउंटिंग आती रहती है, वैसे ये भी काउंट इसको करोगे तो काउंट बता देगा। रिव्यू सजेस्टेड एडिट में वो ये है कि भाई अगर आप जो बना लो तो उसमें कोई करेक्शन तो नहीं है, उसको एक बार रिव्यू करना चाहो तो। कंपेयर डॉक्यूमेंट इसका अच्छा बहुत फीचर है, सपोज करो आपने एक डॉक्यूमेंट अभी था और एक आपने कुछ समय बाद बनाया, दो डॉक्यूमेंट आपके पास हो गए और दोनों डॉक्यूमेंट्स में आपको देखना है कहाँ कहाँ करेक्शन रिक्वायरमेंट करेक्शन हुए हैं, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। ये बहुत अच्छा फीचर इसलिए माना जाता है कि कई बार क्या होता है, सपोज करो आपके पास कोई रिसर्च पेपर आया या मानो सपोज करो आपने ब्रोशर बनाया और किसी और ने ब्रोशर उसी ब्रोशर को किसी और ने अपडेट किया और दोनों में अपने कंपेयर करना है भी कहाँ कहाँ हमारे ब्रोशर के अंदर या हमारे पेपर के अंदर या हमारे बुक के अंदर करेक्शन हुए हैं बाद में आफ्टरवर्ड। तो जब कंपेयर डॉक्यूमेंट करते हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट और उसमें डिमांड करता है ये, तो दोनों डॉक्यूमेंट में जहाँ भी डिफरेंसेज होते हैं उसको ये चेक करता है। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है इसका, लिंक ऑब्जेक्ट करना, और डिक्शनरी इसकी है। तो मैं ये कह रहा था कि अपने जो एक्सप्लोर का जो ऑप्शन है ये बहुत अच्छा दिया हुआ है इन्होंने, इसमें अपने क्या कर सकते हैं, ये टॉपिक से संबंधित कोई और मैटर चाहिए अपने को कुछ भी कर चाहिए तो गूगल जो है ना ये एक्सप्लोर का बटन दबाते ही अपने पास एक विंडो खुल जाएगी गूगल की, इसमें अपने को सपोज करो उसके बारे में कुछ मैटर चाहिए या मान लो कंटेंट चाहिए कुछ भी चाहिए अपने को, तो अपने कुछ जैसे मान लो अपने कोई लैंग्वेज चाहिए मान लो वर्कशॉप के बारे में कुछ लैंग्वेज चाहिए तो हम इसको गूगल हाथों हाथ इसका दे देगा और यहाँ से अपने कॉपी करके वर्कशॉप क्या होती है ये इस तरह कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो एक्सप्लोर जो बटन है जो टूल्स के अंदर जो एक्सप्लोर जो ऑप्शन दिया है ये जो इसने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है डॉक में गूगल डॉक में। लिंक ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, लिंक ऑब्जेक्ट में कुछ है नहीं क्योंकि अपने जो भी लिंक है वो लिंक इसमें शेयर कर सकते हैं, डिक्शनरी का कोई बताने की आवश्यकता नहीं है वो स्पेलिंग चेक के लिए, डिक्शनरी इस तरह का ये गूगल वेब खुला है उससे डिक्शनरी खुल जाती है अगर कोई लैंग्वेज आपको चेक करनी है भाई यहाँ डिक्शनरी खुल गई भाई ये आप सपोज करो कोई वर्ड डाल रखा है आपने कहीं डाल रखा है और आपको लगता है कि उसकी स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो रही है और ये गूगल नहीं बता पा रहा है तो डिक्शनरी गूगल में कहीं है तो उसको ये बता देगा। उसके बाद अपने ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा फीचर है और ये मतलब ये उसी को ट्रांसलेट करेगा जिसको आपने सेलेक्ट कर रखा है आपको, आप जैसे इसमें कुछ मैंने लिखा नहीं उसको कुछ में कर दिस इज कुछ भी लिख के ट्रांसलेट कर कुछ भी आप लिख दें उसको ट्रांसलेट जो भी सिलेक्ट करेंगे आप, जैसे मैंने तो ग्रामर ग्रामलिंग कर रखा है तो आप टूल में जाके कुछ भी चीज ट्रांसलेट करना चाहें जिस भी लैंग्वेज में करना चाहें हिंदी में अवेल जिसमें भी तो आप जो है इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में।
तो ट्रांसलेट के लिए अलग विंडो खुल जाएगी और उस विंडो की सहायता से यहाँ ट्रांसलेट कर देगा ये। तो आप देखिए, देखो यह गूगल डेक से संबंधित वेबिनार। तो इस प्रकार से ये जो नया खुलेगा इसमें वो ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि तो होता क्या है कई बार क्या है अपने इन्होंने देखो सारे कर दिया क्योंकि तो वो सिलेक्ट पे किया था, तो जो भी इन्होंने इसके लिए ट्रांसलेट के लिए आप वाले को मूल को डिस्टर्ब नहीं करता, ये सभी को ट्रांसलेट करता है, पूरी की पूरी फाइल को ये ट्रांसलेट कर देता है, सिलेक्शन पे भी होता है पूरा कर दिया इन्होंने। जो गूगल का डॉक का सबसे महत्वपूर्ण फीचर, जितने फीचर अभी तक बताए गए उन सबसे महत्वपूर्ण फीचर की बात की जाए तो वो है वॉइस टाइपिंग। जैसा कि आप में से जो भी यूज करते होंगे उनको पता होगा कि वॉइस टाइपिंग एक ऐसा फीचर है जिसके माध्यम से आप बहुत लंबा, अगर आपका कोई लेख है कोई आर्टिकल, जैसे मैंने अभी इसको मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो हाथों हाथ ही लिखता जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने, अगर इसको ये रेड रहा तो उसका मतलब ये बोल रहा ये लिखने के लिए रेडी है, अगर ये रेड नहीं है, अगर आपने इस क्लिक कर दिया तो उसका मतलब ये इसमें ऑफ है। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको सपोज करो हिंदी में लिखना है, कोई भी लैंग्वेज है, जैसे आप अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो बेटर होगा आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं तो आप इंग्लिश में लिखें, तो आप जिस भी भाषा में लिखना चाहते हैं तो हिंदी है ये। तो हिंदी में अगर सपोज करो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, और हिंदी में ही लिख रहा हूँ, तो ये इस प्रकार से करता है काम। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपको इसमें फास्ट नहीं बोलना होता, बिल्कुल धीरे धीरे बोलना होता है। दूसरी जो प्रॉब्लम इसमें ये है कि सपोज करो आपको इसमें कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, या कोई ऐसी चीज लगानी है, तो आपको तो बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पूर्ण विराम है या अर्ध विराम है या कॉमा है या क्वेश्चन मार्क है, इस पर आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैं सपोज करो मैं बोल रहा हूँ आज वेबिनार हो रहा है पूर्ण विराम, तो बीमार वेबिनार का कोई शब्द नहीं है हिंदी में, तो इसने इसको बीमार पढ़ लिया, तो हिंदी में वो शब्द होना चाहिए, वेबिनार इंग्लिश में शब्द है, तो पूर्ण विराम बोलना पड़ेगा तब पूर्ण विराम लगेगा। मैं प्रश्नवाचक लगाऊंगा, जैसे अब मैंने सपोज करो मैं इसको कुछ बोलता हूँ उसके पीछे मुझे लिखना बोलना पड़ेगा प्रश्नवाचक, जैसे तुम क्या कर रहे हो प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक को इसने प्रश्नवाचक को लिख दिया। तो यहां कई बार समस्या यह आती है कि भाई ये प्रश्नवाचक जो निशान है इसको किस तरह लिखा जाए, यानी किस तरह क्या किया जाए, तो हमेशा ये कुछ समस्या आती है। पूर्ण विराम में पूर्ण विराम बोलना पड़ेगा, प्रश्नवाचक में प्रश्न, जैसे इंग्लिश में आपको बताता हूँ, एक इंग्लिश में लिख के बताता हूँ आपको, तो यहाँ आपको जो भी कोमा है कुछ भी है इंग्लिश में, इंग्लिश इंडिया वाले लोग, क्योंकि आपकी अपना एसेंट जो है वो इंडिया का है, तो इंग्लिश भी अगर आप कोई भी लिखना चाहें तो उसमें इंडिया वाली सिलेक्ट करनी है आपको, क्योंकि तो एसेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। राम कोमा वे आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क, देखिए कोमा भी आ गया, वे आर यू गोइंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क भी आ गया, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मार्क बोलना पड़ेगा, कॉमा बोलना पड़ेगा, सेमी कोलन बोलना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफी बोलना पड़ेगा, ये सब चीजें अपने को बोलनी पड़ती हैं, और अगर आप टाइप कर सकते हैं तो टाइप भी कर सकते हैं अगर आप उनको, तो ये इसका एक फीचर होता है। इसमें ध्यान ही रखने वाली बात ये होती है कि हमको हमेशा लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, पहले सबसे पहले इस लैंग्वेज में बोलना चाह रहे हैं, और उसके बाद रेड का मतलब ये है कि ये कीप मूविंग है, मतलब ये आप जो बोल रहे हैं वो ये लिख रहा है, और इसको आप कहीं भी ड्रैग कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई आपके वर्ल्ड पे जहाँ आप काम कर रहे हो वही हो, आप उसको नीचे भी ले आ सकते हो, कहीं और साइड में ले आ सकते हो, ये भी इसकी विशेषता होती है कि ये वॉइस टाइपिंग। इसके बाद एडिटर सब मतलब आपको सब्सक्रिप्ट एडिटर का मतलब ये होता है कि भाई आपको पूरा पूरा डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में किस कैसे प्रकार चाहिए, तो ये
नई विशेषता इसकी है असेसिबिलिटी सेटिंग। अब इसके एक जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है एडोन्स। एडोन्स जो है होता है, अब देखिए आपको दो तीन एग्जांपल देना चाहता हूँ एडोन्स के, अगर आप समझ पाए इसको। एडोन्स में क्या होता है, जैसे गेट एडोन्स किया मैंने, जैसे सपोज करो मैंने कोई पेपर लिखा हूँ, रिसर्च पेपर लिखा हूँ, मुझे उसकी बिबलियोग्राफी लिखनी है मुझे सपोज करो, और तो बिबलियोग्राफी अगर सपोज करो मैंने कंटेंट कहीं से चुराया है या मैंने कंसेप्ट लिया है, मैंने कंटेंट, वो कंटेंट मैंने वो पेपर मैंने साइड में खोल लिया, अगर इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा उसके बाद है, ये एडोन को अपने को डाउनलोड करना पड़ता है, पहले इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद जैसे इसने लिख रहा है इजी बिबलियोग्राफी, तो या गूगल फॉर्म या कोई मैप, गूगल मैप इस टाइप के कई इसमें ऑप्शंस दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है, आने वाले टाइम में ये बहुत काम आएगा ये एडवांस जो फीचर है इसका, और इसमें इसमें अपडेट अपग्रेडेशन होता जा रहा है। या सपोज तो बिबलियोग्राफी है, मैंने कोई रिसर्च पेपर है वो उठाया मैंने और उसको मैंने यहाँ लगा दिया, रिसर्च पेपर का कंटेंट मैंने वहां से लिया, पहला लिया और यहाँ अपने इसी रिसर्च पेपर मैंने लगा दिया, तो उसकी अगर मैंने ये कर रखा है इजी बिबलियोग्राफी, तो उसकी बिबलियोग्राफी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। देखिए इसको डाउनलोड भी कितने लोगों ने कर रखा है, तो इस प्रकार से जो भी पेपर उठाते जाऊंगा उसको बिबलियोग्राफी साथ में भी उसकी नीचे आती जाएगी अगर मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है। उसी प्रकार से मैंने अपर केस लोअर केस का कुछ काम कर रखा है, अपर केस लोअर केस मैंने कर रखा है, तो अपर केस लोअर केस में भी मुझे उसको ये बताना भाई अपर केस के साथ पूरा पूरा कंटेंट आपका अपर केस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल और देना चाहता हूँ मैं आपको, सपोज करो मैंने मैंने ट्रांसलेट वाला कर रखा था, ट्रांसलेट पे तो जैसे जैसे उसमें जाना पड़ा था, इसमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने को, हाथों हाथों क्लिक किया उस पर सिलेक्ट किया ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। उसी प्रकार से कई कई डायग्राम वाला, जैसे डायग्राम वाला ये है, ये फीचर जो है ये आपके आपके इसमें काम आ सकता है, ब्रोशर बनाने में, किताब राइटिंग करने में, किसी में काम आ सकता है। वो डायग्राम आपने कहीं से अगर ले रखा है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये सपोज करो मुझे एक पूरा का पूरा इस बात पे बनाना है डॉक्यूमेंट कि किसी ने, जैसे मोदी जी ने ट्वीट क्या किया, मोदी जी सपोज करो 10-12 ट्वीट किए और मैं उसकी ट्वीट पे काम कर रहा हूँ सपोज करो, और ट्वीट पे काम कर रहा हूँ उनकी मैं, तो मुझे क्या करना है उनकी ट्वीट दिखानी भी है मुझे, उनकी ट्वीट दिखानी है मुझे, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैंने इसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद क्या किया मैंने मोदी जी को ट्विटर अकाउंट उनका देखा, उसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही उनकी फोटो और वो कमेंट वहां आ जाएगा, फिर मैंने कुछ नीचे लिखा, फिर मैंने उसको दूसरे उनके ट्वीट को क्लिक किया वो नीचे आ जाए, ऐसे करते करते उनकी 10-12 ट्वीट का एक पूरा पूरा पेज बन जाएगा। तो ये एड ऑन फीचर अभी लेटेस्ट फीचर है इसका, जो है बहुत अच्छा फीचर है, पर उसको अपने एड ऑन करना पड़ता है, तो ये एड ऑन तभी हो पाएगा जब करते हैं। अब अपने बात क्या कर रहे थे कि अपने को सपोज करो ब्रोशर बनाना है, तो ब्रोशर बनाने के लिए अपने को जो है सबसे पहले, जैसे मैंने आपको दोबारा बताया, मैं थोड़ा दोबारा एक ब्रोशर बनाने की कोशिश भी करेंगे अगर करना चाहें अगर अपने, तो सपोज करो आपने ब्रोशर बनाया, ब्रोशर में आपने अबाउट द वेबिनार लिखा सबसे पहले, यहाँ आपने कुछ भी आपने जैसे कि वेबिनार के बारे में कुछ भी आपने लिख दिया, और अगर आप लिखना चाहते हो, अगर आप फास्ट लिखना है तो आपने सपोज को इससे टाइपिंग इससे लिख दिया, दिस वेबिनार बिलोंग्स टू दोज स्टूडेंट who are pursuing UG and PG courses, तो आपने ये आपने about the लिख दिया, फिर आपने about the university लिखना चाहते यहाँ लिखा about the university, तो ये कई बार क्या लैंग्वेज का फर्क होता है, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि लैंग्वेज को बहुत धीरे बोलना पड़ता है, और धीरे बोलेंगे तो ये सही लिखेगा, फास्ट बोलेंगे तो ये सही लिखेगा नहीं। जैसे मैं लिखता हूं उसको अबाउट द यूनिवर्सिटी,
दिस यूनिवर्सिटी बिलोंग टू वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा इज वन अमंग सेवन ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री। तो इस प्रकार से आप कुछ भी लिखोगे तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अबाउट द वर्कशॉप अबाउट वेबिनार कर दिया, सॉरी तो ये कुछ भी किया आपने। उसके बाद आपको सपोज को इंसर्ट करना है, कोई डायग्राम इंसर्ट करना है मान लो, या लोगो इंसर्ट करना है, कुछ भी इंसर्ट करना है। तो आप इंसर्ट में गए, आप इमेज में गए, इमेज में अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर, अपलोड फ्रॉम द वेब गए आपने, वेब में किया तो वेब में आपने कोई भी इमेज जैसे ये आपने जो पहले जो भी खोल रखा होता वो सब ये दिखाएगा ये। इसलिए आपको क्या है, जब भी इसको जो भी खोलें उसको बंद कर दें, इसका आप ध्यान रखें। इंसर्ट में गए आप, इमेज में गए आप। सर एक रिक्वेस्ट है सर, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे सर तो थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ जाएगी थोड़ी इसकी सर। ऑलराइट ऑलराइट, कोई बात नहीं, फॉन्ट साइज बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं, इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं सर कि अपना जो भी स्क्रीन है वो जो सर जूम भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मुझे कोई फोटो डालनी है इसमें, मान लो ये फोटो डालनी चाहता हूं मैं कोटा की चंबल की, तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये इमेज को आप कहीं ले जाना चाहें तो इमेज को आप ले आ सकते हैं। छोटा बड़ा करना चाहे इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं आप, मूव कर सकते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड कुछ भी कर सकते हैं आप। ये सब चीजें क्या है, ये ब्रोशर के पार्ट है सब। आप कहीं भी इसको करना चाहें तो इसको ड्रैग कर सकते हैं। जैसे ये अब मैं नीचे ले आना चाह रहा हूँ उसको, तो नीचे आ गया इमेज। तो इस प्रकार से आप लोगो ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ब्रोशर के पार्ट ले सकते हैं। तो और फिर सपोज करो मुझे टेबल डालना चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो भी वर्कशॉप में जो भी लोग आएंगे या जो भी लेक्चर देंगे तो 3x3 की या 4 या 6 की मैंने टेबल डालना चाहता हूँ। तो ये टेबल भी आप उसमें डाल सकते हैं, इसमें टाइम डाल सकते हैं। या अगर आप उसको ऑन रखेंगे तो आपको बोल लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोलते रहें सिर्फ यहाँ पर सेशन टॉपिक। तो यहाँ आप टाइमिंग डालते रहे, मैंने जो भी आप करना चाहें तो ये इस टाइप से टेबल भी अपने डाल सकते हैं। यानी कि जो जो इसके महत्वपूर्ण फीचर होते हैं वो यही होते हैं कि भाई आपको टाइटल ये डालना है, आपको डायग्राम डालना है और आपको ये टेबल डालनी है। तो इस प्रकार से हम क्या है, अगर ब्रोशर बनाना चाहें, और जैसे ब्रोशर जो है वो अपने स्लाइड पे भी बनाया जा सकता है, जैसे अभी सर आपको बताना चाहे बताएंगे कि समय मिला सर को, तो स्लाइड पे बना सकते हैं और इसमें वर्ड के अंदर बना सकते हैं। और इसको और तीसरी बात क्या है, इसको जब भी आपको करना है तो हमको जो प्रिंट देना चाहे प्रिंट दे सकते हैं, या मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि आप जब डाउनलोड करें इसको तो एज ए PDF कर दें इसको, तो आप डाउनलोड करके एज ए PDF इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे अभी फाइल में गए तो ये PDF डाउनलोड, तो वेबिनार के ऊपर से डाउनलोड भी हो जाएगी। और जो मैंने आपको बताई थी बात थोड़े समय पहले कि आपको शेयर करना है इसको अगर किसी को, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। शेयर का ऑप्शन तो आपको बता दिया गया होगा, भाई कोई बंदा और इसको करेक्ट करना चाह रहा है सपोज करो, तो उसको भी आप इसको भेज सकते हैं कि भाई ये इसमें करेक्शन कर दें, तो ये भी आप कर सकते हैं। और वो डिपेंड करता है उसने ये एडिटर है उसको आप व्यूअर बनाना चाह रहे हैं, उसको कमेंटेटर बनाना चाह रहे हैं, उसको एडिटर बनाना चाह रहे हैं। उसको सिर्फ व्यूअर बनाना चाह रहे हैं तो जब शेयर करें तो व्यूअर पर क्लिक करें कि भाई वो आप देख पाएंगे, आप चेंज नहीं कर सकते इसको। आप चाहते हैं वो सिर्फ कमेंट कर सकें उस पर, भाई एडिट नहीं कर सके, कमेंट जरूर कर सके, तो आप कमेंटेटर बना दें। आपको लगता है कि भाई नहीं नहीं इसको ये एडिट भी कर सके, जैसे आप कर रहे हो आप भी एडिट कर सकते हो उस समय साइमल्टेनियसली, वो भी इसको एडिट कर सकता है। तो आप दोनों लोग क्या है, दोनों या चारों या जो भी आप और लोगों को ऐड करना चाहो तो एक समय के अंदर सारे के सारे लोग मिलके इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ये जो है इसको सेंड करता है, ये क्या है वहाँ चला जाएगा, तो उनके पास भी राइट हो जाएगा कि वो इसको एडिट कर सकते हैं।
तो इसके अलावा अगर आप मेल भेजना चाहें तो मेल भी भेज सकते हैं किसी को। तो इस प्रकार से हम अगर ब्रोशर बनाना चाहें तो हम ब्रोशर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर किसी को कोई क्यूरी हो, कोई प्रश्न हो, कुछ और हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज हमें समझाया कि गूगल डॉक्यूमेंट कितने साधारण तरीके से किस तरह हम यूज कर सकते हैं, और ये माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है और जो हम जो मोस्टली यूज करते हैं उससे कितना ज्यादा साधारण और कितना आसान है, और इसमें मल्टीटास्किंग के साथ दो दो तीन तीन लोग काम कर सकते हैं, और हम अपने वेबिनार के लिए पेजेस बना सकते हैं, और ऑनलाइन इमेजेस किस प्रकार यूज कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं वो सभी इसे प्रति लाभित होंगे। हेलो धनंजय, अब मैं अपने अगले वक्ता जो विशेषज्ञ श्री धनंजय देशमुख, जो कि आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन में अहमदाबाद में कार्यरत हैं, आपने MSc साइकोलॉजी की है और PhD जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से दिल्ली से किए, आपको 3 साल का अनुभव NIMH मुंबई से है और 4 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सर मैं आपको बुलाना चाहूँगा कि प्लीज आप आए। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर अ नाइस सच वेलकम, एंड थैंक यू टू पंकज सर एंड द होल टीम ऑफ NIMH फॉर इन्वाइटिंग मी एज अ एक्सपर्ट इन दिस webinar, or I'm considering myself as a learner, not the expert in this program. So I will discuss whatever I can or whatever I can share. तो बहुत सारे जो features अभी सर ने जो बताया इससे पहले जो word documents से होते हैं, तो maximum features जो हमारे PPT presentation या Google slide कहते हैं इसे, उसमें भी same ही आते हैं। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा एक डेमो के तौर पे देना चाहता हूँ, और उसके साथ साथ उस फीचर को भी हम क्या करते हैं। ठीक, तो मतलब सबसे पहले जैसे बताया कि हम जिस सर ने बताया था कि यहाँ पे जो गूगल एप्स है उसमें जाके हम सबसे पहले सर ने डॉक्स का गूगल डॉक्स एंड डॉक्यूमेंट जो होते हैं, डॉक्यूमेंट हम अलग पर्पज के लिए यूज करते हैं, और स्लाइड जो होते हैं हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी फीचर और थोड़ी सी जो डिफरेंशिएशन है उसके ऊपर हम गौर करते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा करेंगे। जैसे मैंने स्लाइड पर क्लिक किया तो हम गूगल डॉक्स में जाके एक स्लाइड वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे हमारे बेसिक ये स्क्रीन सामने आती है तो हमारे पास सबसे पहले जो आता है ब्लैंक वाला ऑप्शन आता है, उसके बाद जनरल प्रेजेंटेशन, मतलब जो कॉमन हमें अगर कोई चीज बतानी है तो उसके लिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द, ये जो है सारे टेम्पलेट्स हैं जो हम जनरली की यूज कर सकते हैं, और यहाँ से हम और भी टेम्पलेट्स नीचे जाके देख सकते हैं जो कि बेसिकली हम अलग अलग पर्पज के लिए है। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा है बुक रिपोर्ट, लेसन प्लान, फील्ड ट्रिप्स, फ्लैश कार्ड्स, साइंस प्रोजेक्ट है, साइंस फेयर है, या स्टूडेंट नेम या सर्टिफिकेट देने के लिए जो है ये है। तो ये सारी चीजें हम क्या है अलग अलग पर्पज के लिए प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम नीचे जाते हैं तो पर्सनल ऐसा करके वो यहाँ पे हमें जो सिंपल प्रेजेंटेशन करनी होती है उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यहाँ पे रेसिपी बुक है, पोर्टफोलियो है, लुक बुक्स है, पार्टी इनवाइट्स है, ये सारी चीजें भी हम यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन हम आज जो फोकस करेंगे सिर्फ हमारा जो एजुकेशनल प्रेजेंटेशन होता है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो ये बाकी अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो जिस टाइप या जिस सब्जेक्ट और जिस कॉन्टेक्स्ट में हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ से प्रेजेंटेशन चूज कर सकते हैं, उसका टेम्पलेट चूज कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम अपना टेम्पलेट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ऊपर है, और यहाँ पे रिसेंट प्रेजेंटेशंस जो नीचे ऑप्शन होता है, जो आपके ऑलरेडी ड्राइव में जो ऑप्शन या जो प्रेजेंटेशन होते हैं, तो मेरे ड्राइव में ले रखा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे 10 से 15 प्रेजेंटेशंस अवेलेबल है। तो उसमें से मैं हम पहले क्या करते हैं, एक ब्लैंक में चूज करता हूँ यहाँ से, तो आपके पास ये वाला स्क्रीन आपके सामने आएगा। जैसे ये वाला स्क्रीन आपके सामने आता है तो हम यहाँ से, अब यहाँ तो ब्लैंक है, तो ब्लैंक से हम राइट साइड में देखते हैं थीम्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो थीम में से कोई भी एक पर्टिकुलर थीम जो आप नीचे नीचे जाओगे तो आपको दिखेगी, उसमें से कोई भी एक थीम चूज करके उस थीम के ऊपर आपको प्रेजेंटेशन बनाना
शुरू कर सकते हैं। यहाँ जो लास्ट में ऑप्शन लिखा है इम्पोर्ट थीम, यहाँ से हम क्या क्लिक करेंगे तो हम नई थीम्स या जो हमारे पास बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन वेबसाइट से हम थीम्स को यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं और उसको भी यूज कर सकते हैं अगर इसमें से कोई थीम आपको सूट नहीं करता है तो। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, प्रेजेंटेशन और अपलोड। यहाँ पे हम जाके अपने डिवाइस में अपने पास अगर कोई थीम है तो उसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने एक रखा हुआ है पीपीटी के फॉर्म में और वहां से मैं ये वाला प्रेजेंटेशन लेता हूँ। अब वो जो थीम है वो यहाँ पे अपलोड हो रही है, मान लो इसमें से कोई थीम हमें सूट नहीं कर रही तो हमने क्या किया एक नई थीम ले ली। तो इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है वहां पे हम क्या करते हैं इम्पोर्ट थीम, तो ये थीम हमारे स्लाइड में इंपोर्ट हो जाएगी। अब हमारे पास ये थीम यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। तो हमारे पास अलग अलग थीम्स हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके नीचे जाते हैं तो सेम पीपीटी के दूसरा लेआउट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वहीं पे राइट साइड में जो थीम्स है इसमें से कोई भी थीम आप चूज कर सकते हैं आपके प्रेजेंटेशन के लिए। जो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो वहां पे आपको अलग अलग कलर्स की थीम्स दिख रही है वो आप देख सकते हैं। तो इतनी सारी थीम्स हमारे पास अवेलेबल होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेनू से, जो इसमें से कई सारे मेनूज हैं जो सर ने ऑलरेडी चलता है। सबसे पहले यूनाइटेड जो प्रेजेंटेशन है इसको हम नाम देते हैं, इसको रीनेम करते हैं वेबिनार। ऑन गूगल टूल्स, ठीक है, तो ये सेव हो जाएगा। अब इसको जो शेयर वाला ऑप्शन है शेयर करके हम पहले तो सेव करना पड़ेगा और यहां पे मैं जिसका मेल आईडी डालता हूं तो उस मेल आईडी पे वो शेयर हो जाएगा। एक जैसे सर ने भी ये ऑप्शन बताया था, यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, व्यू करना है, कमेंटर करना है या एडिटर करना है, जो पर्सन एडिट करना चाहे। और दूसरी चीज, इतना हर एक बार हर प्रेजेंटेशन शेयर करने से अच्छा है कि हमारे पास क्या है इसका लिंक भी आ सकता है, तो वो लिंक भी हम क्या कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं। ये जो लिंक नीचे है इस लिंक को मैं कॉपी करता हूँ, तो ये लिंक हम व्हाट्सअप, मेल या और किसी भी एक जो सोशल मीडिया उस फॉर्म में हम इसको शेयर कर सकते हैं। तो हमें हर बार वो पीपीटी अपलोड करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ ये लिंक अभी मैंने कॉपी कर ली और इस लिंक को मैं अपने व्हाट्सएप पे डालता हूँ। जैसे व्हाट्सएप पे डालू तो यहाँ पे ये लिंक मैंने पंकज सर से शेयर कर दिया, तो लिंक से वो अपनी पीपीटी खोल सकते हैं। जैसे आगे चलते नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आता है ओपन है, जो नया न्यू है, हमें न्यू प्रेजेंटेशन लेना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम टेम्पलेट या फिर प्रेजेंटेशन ओपन, जो ओपन करना है। फिर ये इंपोर्ट स्लाइड्स, स्लाइड्स को हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, मेक अ कॉपी। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो स्लाइड है या कभी बार ऑप्शन आता है हमारे पास डुप्लीकेट द स्लाइड, तो एंटायर प्रेजेंटेशन की कॉपी करनी है या सिलेक्टेड स्लाइड की कॉपी करनी है वो हमारे ऊपर डिपेंड। जैसे मान लो कोई स्लाइड में सिलेक्ट करता हूँ तो उस स्लाइड को मैं सिलेक्ट करके उसकी कॉपी बना सकता हूँ, या एंटायर प्रेजेंटेशन की सेम प्रेजेंटेशन करनी है तो भी सेम डाउनलोड का ऑप्शन हमारे पास सारे ऑप्शन आते हैं, पीपीटी, पीडीएफ या जो भी जिस फॉर्म में आप इस स्लाइड को डाउनलोड करना चाहते हो कर सकते हो। अटैच एज अ मेल ऑफलाइन, मतलब जब भी हमारे पास इंटरनेट का ऑप्शन अवेलेबल ना हो तभी भी इस प्रेजेंटेशन को मैं यूज कर सकता हूँ। जब अगर मैंने ऑप्शन क्लिक किया, मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, नाउ डॉक्यूमेंट नाउ अवेलेबल ऑफलाइन, तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट ऑफलाइन भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो बाकी सारे जो ऑप्शन है सेम है इसलिए मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ और थोड़ा सा आगे जाके इसमें एक प्रिंट जो है प्रिंट मैं आपको बताना चाहता हूँ।
तो ये जो प्रिंट ऑप्शन है इसमें हमारे पास यहाँ पे सेव एज पीडीएफ है, तो यहाँ से हम जो भी हमारा प्रिंटर है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें ऑल द पेजेस कस्टम, कस्टम मतलब सिलेक्टेड स्लाइड्स, और ऑल द मतलब सारी स्लाइड इसमें आ जाएगी। जैसे हम कस्टम करते हैं या स्लाइड्स करते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्टर लिख सकते हैं 1 to 2, और मोर सेटिंग्स में यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो इसमें से हम प्रिंट देने का या जो प्रिंट का ऑप्शन है यहाँ पे आ जाएगा। इसमें हो सकता है कि हम एक पेज पे एक स्लाइड भी ले सकते हैं, एक पेज पे दो, दो से चार, चार से छः, ऐसे नौ, या अलग अलग ऑप्शन में स्लाइड्स हम प्रिंट कर सकते हैं एक ही पेज पे। दूसरा हमारे पास एडिट मेनू है जो कि नियर अबाउट सेम है, बस इसमें एक ऑप्शन आता है डुप्लीकेट। तो जैसे हम किसी स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं, और एक मैं एग्जांपल दिखा दे देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ और उस ब्लैंक स्लाइड में मैं अलग अलग तरीके बैकग्राउंड और मान लो हम ऐसे कोई टेम्पलेट बनाते हैं, हर बार हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े, हम क्या करें सिंपल इस स्लाइड को क्लिक करें और इस साइड लाइव को डुप्लीकेट कर दें, तो क्या होगा इस स्लाइड का सेम स्लाइड भी क्लिक करते हैं तो वहां पे जो स्लाइड आएगा तो उसके जैसे स्लाइड आएगा। तो ये क्या हुआ डुप्लीकेट द स्लाइड का ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे है। ये सिलेक्ट और फाइंड एंड रिप्लेस, मतलब पर्टिकुलर वर्ड अगर हमें फाइंड करना है उसको रिप्लेस करना है तो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल शो करता हूँ। अब ये दूसरी पीपीटी है जिसमें कि ये है लर्निंग स्टाइल के ऊपर, तो यहाँ पे जितनी बार भी लर्निंग लिखा है उसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ किस चीज के ऊपर, तो मैं जनरली क्या करता हूँ फाइंड एंड रिप्लेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फाइंड में लिखा है लर्निंग LER लर्निंग, एंड यहाँ पे मैं रिप्लेस करता हूँ टीचिंग से, टीचिंग से, टीचिंग एच केस को क्या करता हूँ रिप्लेस। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक जो वर्ड है मैं दो तीन जगह करके रिप्लेस करता हूँ। यहाँ पे जो जनरली लर्निंग स्टाइल्स, यहाँ पे जो डेफिनेशन चेंज हुई इसमें, यहाँ पे ये टीचिंग जो वर्ड है ये चेंज हुआ है, जिसको हम कंट्रोल जेड करते हैं तो फिर से वो लर्निंग हो रहा है। ये फाइनल रिप्लेस का ऑप्शन। तो एडिट मेनू के बाद जो हमारे पास आता है व्यू, व्यू में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन। जैसे हम प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो स्लाइड होती है प्रेजेंट होनी स्टार्ट होती है, तो इसको हम एरो की से या हमारे माउस क्लिक से आगे पीछे कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मोशन या जो दूसरे पास हमारे पास आता है ट्रांजिशन, ये जो हमारी स्लाइड को अट्रैक्टिव बनाने में या उसमें उसके जो एग्जिट और एंट्री होती है उसको अलग अलग तरीके से दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। अब मान लो फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड को मुझे एक प्रकार का ट्रांजिशन या मोशन देना है, तो यहाँ पे आपको ये जो है दोनों तरीके से मिला, आप व्यू में जाके मोशन पे क्लिक कर सकते हो या डायरेक्ट आपके पास ये जो ट्रांजिशन का बटन आता है थीम पे जो दिख रहा है बैकग्राउंड पे उस पर भी क्लिक कर सकते हो। तो जैसे मान लो यहाँ पे नन है स्लाइड ट्रांजिशन में, नन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आते हैं। अभी मैं इसमें से गैलरी व्यू लेता हूँ और इस स्लाइड को मैं अप्लाई कर दिया उसमें। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, तो जस्ट सेम जो गैलरी व्यू है सारी स्लाइड्स को अप्लाई हो जाएगा। अब इसके नीचे जो ऑब्जेक्ट एनिमेशन करके आता है, यहाँ पे जो होता है हमें इसके लिए ये देखो अभी क्लिक नहीं हो रहा, लेकिन मैं इसमें जाके अगर कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे मैं उस टेक्स्ट के लिए भी कोई तो एक पर्टिकुलर
ऑप्शन दे सकता हूँ, जूम इन का मैं यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ उसको। ठीक है, तो मैं इसको प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको दिखाता हूँ, इसको स्टॉप कर दो और मैं इसको प्रेजेंट कर दू। जैसे मैं प्रेजेंट करूंगा इस स्लाइड, और जो नाम को हमने जूम इन दिया था मतलब तो जूम इन होके वो आ रहा है ना, तो ये इफेक्ट हमने कहीं ना कहीं यहां से किया। यहां पे जैसे कोई भी स्लाइड देखोगे तो फर्स्ट स्लाइड जो है उसके वहां पे सर्कल्स आ रहे हैं, तो ये सर्कल है कि मतलब आपने वहां पे कुछ ना कुछ स्लाइड को एडिट किया या फॉर्मेट किया है। तो फॉर्मेट क्या है मतलब वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग सारी आपके सामने आ जाएंगी, कौन कौन सा दिया है। जैसे हमने यहाँ गैलरी व्यू दिया है और यहाँ पे जूम इन दिया है टेक्स्ट को। स्लाइड और टेक्स्ट दोनों को एनिमेशन अलग अलग होता है। स्लाइड को जब देना है तो हम स्लाइड को सिलेक्ट करते हैं, अभी सेकंड नंबर स्लाइड को मैंने सिलेक्ट की, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं सेम गैलरी व्यू जो है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। गैलरी व्यू हमने उसको अप्लाई कर दिया, और अगर आपको अंदर स्लाइड के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसको देना है तो उस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर वहां जाके एड एनिमेशन आपको एड करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्ले कर देता हूं। अब सेम इसको मैं प्रेजेंटेशन फॉर्म में दिखाता हूं, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। तो फर्स्ट पेज से स्टार्ट होता है तो ये आ गया, ये गैलरी में फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर। अच्छा, यहाँ पे आपको जो ट्रांजिशन या मोशन ऑप्शन है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जो आप हर एक स्लाइड को अलग अलग डिसॉल्व फेड साइड फ्रॉम द लेफ्ट साइड फ्रॉम द राइट फ्लिप क्यूब या गैलरी ऐसे यहाँ पे ऑप्शन दे, या आप एक ही ऑप्शन सारे स्लाइड पे अप्लाई करना है तो अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स। मास्टर स्लाइड का देखा था यहाँ तक थे मुझे लगा मोशन या मुझे जो फीचर थे ट्रांजिशन के फीचर बताए थे। उसके बाद मास्टर स्लाइड होती है, मास्टर स्लाइड जो हमारा स्लाइड का बेस एडिट कर सकते हैं, तो मैंने इसका एक ट्रायल दिया था। जैसे अभी ये जो स्लाइड है इस स्लाइड में ये जो है हेडलाइन, तो इस हेडलाइन को नीचे है तो इसको हम ऊपर कर देते हैं, तो इसको हमने ऊपर की मास्टर स्लाइड को, तो बाकी जो भी इस टाइप की जो स्लाइड्स होगी या इस टाइप लेआउट होगा उसमें सारे में ऊपर आ गया। तो पिछला है जैसे मैंने किया था ये व्हाट इज टीचिंग एंड लर्निंग जो बीच में आ गए, क्योंकि हमने उसको बीच में कर दिया था मास्टर स्लाइड। जैसे मास्टर स्लाइड हम एडिट करते हैं उस अकॉर्डिंग वो चला जाता है। अब यहाँ पे देखो ये जो मेरा नाम है यहाँ पे धनंजय देशमुख ये ऊपर चला गया, पहले ये नीचे था यहाँ पे, लेकिन मास्टर स्लाइड को एडिट करने में से इस प्रकार की जितनी भी स्लाइड होगी उस प्रकार में वो चेंज आपको दिखाई देगा। तो आगे चलते हैं, जूम है, इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये परसेंटेज दिए। रूलर्स हैं यहाँ पे, गाइड्स हैं, जो गाइड्स मतलब हमारी जो स्लाइड होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है फोर पार्ट में। मैं ब्लैंक स्लाइड में दिखाता हूं आपको, इस स्लाइड में आपको देखिए चार लाइन दिखा रही, तो ये स्लाइड को हमें क्या है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हेल्प करता है कि कौन से पोर्शन में कितना जाता है। जब हम मैथ्स या जो बाकी चीजें उसके लिए जब करते हैं तब इस टाइम पे ये ज्यादा यूजफुल होता है। जो गाइड्स में होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गाइड्स और एडिट गाइड्स, मतलब हम क्या करते हैं गाइड को एडिट भी कर सकते हैं कि हमें किस पे और किस स्लाइड पे कहाँ रखना है। इसके लिए क्लियर गाइड्स मतलब गाइड हमें नहीं चाहिए ऐसे तब हम यूज करते हैं। तो लास्ट में जो आता है शो द स्पीकर नोट्स, तो स्पीकर नोट्स मतलब जो नीचे जाके जब हम कोई स्लाइड प्रेजेंट करते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो नीचे मान लो कोई मैंने यहाँ पे ऊपर तीन पॉइंट लिखे हैं, एग्जाम्पल देता हूँ, विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक, तब विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक में मुझे जो भी बोलना है मैं यहाँ पे उसको नोट डाउन करके लिख सकता हूँ या कर सकता हूँ। तो ये चीजें मुझे अपने प्रेजेंटेशन के लिए हेल्प करती है कि वो अगर मुझे याद रहे ना रहे तो उस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये विजुअल में जो बोलना है उसके लिए मैंने स्पीकर के नोट्स में उसको ऐड कर दिया। यहाँ पे हम फुल डेफिनेशन या उसके जो पॉइंट्स है उसको भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट वाला है जो फुल स्क्रीन, जो इतने सारे जो ऑप्शन है रूलर्स या जो बार्स दिख रहे हैं ये सब कुछ हट जाएंगे और आपकी स्क्रीन जो है फुल स्क्रीन हो जाएगी। प्रेजेंटेशन प्रेजेंट और फुल स्क्रीन इन दोनों में डिफरेंस है, तो प्रेजेंट जो होता है तो फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन होता है, ये सिर्फ
आपकी स्क्रीन फुल हुई है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो इसके अंदर आप उसको बीच में आ सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास इंसर्ट के ऑप्शन आते हैं, इंसर्ट में हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ब्लैंक स्लाइड इमेज इंसर्ट करके दिखाता हूँ, ये ब्लैंक स्लाइड है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्लिक करना है पहले, और यहाँ पे मैं जाके इंसर्ट में कोई भी इमेज जो हमें यूजफुल हो, डाउनलोड अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर, सर्च फ्रॉम द वेब, ड्राइव, फोटोज, उसका लिंक भी डाल सकते हैं और कैमरा से भी डाल सकते हैं। तो हम पहले कंप्यूटर से कर लेते हैं, मान लो इमेज हमने पहले से डाउनलोड करके रखे, ऐसे सोचते हैं, यहाँ से एक इमेज हमने अपलोड, तो ये कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है, उसके लिए यहाँ पे अपलोड कर देते, ये इमेज हमने अपने प्रेजेंटेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, ये इमेज होगी। अब दूसरा बात मैंने यहाँ पे करके रखा है, यहाँ पे हम वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ वीडियो कैसे अपलोड करना है। तो इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, तो मान लो हमने कोई इमेज ऐड की या टेक्स्ट बॉक्स, उसमें टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं, ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। वीडियो के लिए हाँ, अभी बाय यूआरएल, मतलब हम गूगल से या यूट्यूब से सर्च करके भी यहाँ से डाल सकते हैं, उसका यूआरएल भी डाल सकते हैं, और गूगल ड्राइव में आपके पास कोई ऑलरेडी वीडियो हो तो उसको उससे भी डाल सकते हैं। शेयर डिवाइसेस, शेयर विद मी और रिसेंट, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ से हम वीडियो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम जनरली यहाँ पे डालते हैं एक गुड टच, बैड टच, जैसे भी आमिर खान ने सिखाया था गुड टच और बैड टच, उसको हम यहाँ बेसिकली अपलोड करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो गया, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आ जाए। तो जनरली हम क्या करते हैं, किसी पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है तो हमें पीपीटी से बाहर जाके हमारा वीडियो दिखाना होता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस वीडियो को क्लिक करके शो कर सकते हैं। वीडियो स्टॉप हो सकता है और इसको हम ऐसे ही रख सकते हैं। तो जनरली हमें कोई वीडियो दिखाना है तो हमें पीपीटी से बाहर जाने की, जनरली हमें क्या पीपीटी से बाहर जाकर शो करना पड़ता है, तो पीपीटी से बाहर जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पे ही डायरेक्ट उस वीडियो को दिखा सकते हैं। ये दूसरा वीडियो है जो मैंने पहले से थोड़ा सा अपलोड करके रखा था, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, तो शेप्स है, अगर हमें कोई ट्रांजिशन प्रोसेस दिखाना है या कोई पर्टिकुलर शेप्स को इंसर्ट करना है या दिखाना है तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में एक टेम्पलेट बनाने के लिए यूज किया था, मैंने यहाँ पे इधर एक सर्कल और इधर सर्कल करके इस टेम्पलेट को बनाने की कोशिश की, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने यहाँ से ही शेप उठाए थे, इंसर्ट में जाके शेप्स हैं तो हमारे पास अलग अलग टाइप के जितने आप चाहो उतने सारे शेप्स हम यूज कर सकते हैं। एरो है, हमारे पास एरोज यूज कर सकते हैं, हमारे पास कॉलआउट्स है तो उसको हम यूज कर सकते हैं, एंड इक्वेशंस है जो हम मैथ्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, वो सारे यहाँ पे दिए हैं, अगर कोई हमें उस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाना है तो। टेबल्स है, सर ने भी टेबल्स का बताया था, यहाँ पे भी हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें इंसर्ट किया तो यहाँ पे टेबल आ गए, ये टेबल इसके ग्रिड्स या जो भी है यहाँ पे टाइटल जो हमें देना है या उसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। चार्ट से कोई प्रेजेंटेशन या कोई ऐसा हो जहाँ पे हमें चार्ट या जो बार चार्ट या कंपैरिजन दिखाना होता है, जैसे हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हमारे जो हाइपोथेसिस वगैरह होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारा जो रिजल्ट आता है उसको चार्ट के थ्रू दिखाते हैं, वो भी चार्ट हम यहाँ पे बार चार्ट, कॉलम चार्ट, मैं कॉलम चार्ट का इंसर्ट करता हूँ तो कॉलम चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे कॉलम चार्ट, आपके कॉलम चार्ट सिंपल आया है, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो आपका जो रिसर्च डेटा है या आपकी जो यहाँ पे चार्ट में देखो, यहाँ पे फॉर्म शीट्स, मतलब आपकी कोई भी ऐसी शीट है, एक्सेल शीट बनी हो, उस शीट का जो डेटा है उस शीट से भी
आप उस चार्ट को यहाँ पे ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे ऐसे चार्ट डाल दें। तो अभी तो कोई फिलहाल मेरे पास शीट से चार्ट नहीं है, तो नहीं डाल सकते, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्सेल शीट हो और उसका एक्सेल शीट के डेटा का कोई आपका चार्ट बना हो तो उस चार्ट को भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। डायग्राम, डायग्राम बहुत यूजफुल है हमारे पास। जैसे हम डायग्राम के ऊपर क्लिक करते हैं इंसर्ट में जाके, तो डायग्राम के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस राइट साइड में अलग अलग ऑप्शन आते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में आप पहले देखिएगा ग्रिड है, फिर उसके बाद हायरार्की है, टाइमलाइन है, प्रोसेस है, रिलेशनशिप है और साइकिल है। इसमें से कोई भी एक चीज के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो उसके इन डिटेल या उसके अलग अलग डिजाइन आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं यहाँ पे साइकिल पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे साइकिल पे क्लिक किया तो हमारे पास तीन स्टेप की साइकिल, आपको अगर इसमें इंक्रीज करना है, तीन स्टेप है, चार स्टेप है, तो आप इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसको इंक्रीज करता हूँ चार स्टेप का करता हूँ, यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है वो चार का, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सर्कल यहाँ पे आ जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में देखता हूँ या लर्निंग स्टाइल के बारे में कहना चाहता हूँ, तो लर्निंग स्टाइल के बारे में यहाँ पे चार का है। लेकिन मान लो मैं यहीं पे अगर यूडीएल के प्रिंसिपल पे बात करता हूँ तो मुझे ये चार का नहीं तीन का चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ यहाँ पे तीन के लिए क्लिक करता हूँ, ये तीन का बन जाए, ये तीन पे आ गए, यूडीएल के तीन प्रिंसिपल यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक अट्रैक्शन जो होता है हमारी स्लाइड का, जो हमारे पिक्चर फॉर्म में प्रेजेंटेशन होता है तो उसमें दिखाई देता है, तो ये अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। पर ऐसे ही मतलब साइकिल के पीछे आ जाते हैं, मान लो कि हमारे संस्था में जो हमारी हायरार्की है या हमारा जो चार्ट है उसको दिखाया, तो हम यहाँ पे उस हायरार्की को यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे डायरेक्टर है, यहाँ पे फिर हमारे जो डिप्यूटी डायरेक्टर है वो कोई एडमिन वाला हो सकता है, कोई एकेडमिक वाला डिप्यूटी डायरेक्टर हो सकता है, और उसके नीचे डिपार्टमेंट हेड्स है, वैसा भी हम क्या कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में इसको दिखा सकते हैं। तो ये हमारा हायरार्की दिखाने के लिए हमारा जो प्रेजेंटेशन है अच्छे फॉर्म में हम इसको लिखे, उससे बेटर है कि हमारे पास ये इस फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। वर्ड आर्ट मतलब हम एक अलग फॉर्म में यहाँ पे दे सकते हैं, यूज इंटर टू सेव, मतलब आपने वर्ड में जो ऑप्शन देखा था वही वर्ड आर्ट है, लेकिन इसको हम क्या अलग अलग फॉर्म में शो कर सकते हैं। लाइन्स है यहाँ पे अलग अलग लाइन्स जो आप यूज कर सकते हैं अपना जो भी फॉर्मेट या जो भी प्रेजेंटेशन बना उसके लिए। कमेंट है, अगर मान लो कोई स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर आपको कमेंट लिखनी है या कंटेंट के ऊपर लिखनी है, तो हम यहाँ पे जाके इंसर्ट में जाके कमेंट इंसर्ट करते हैं, तो वहाँ पे वो कमेंट आ जाएगा। यहाँ पे मुझे इस स्लाइड के बारे में जो भी लगता है वो कमेंट में यहाँ पे लिख के कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे वो कमेंट हमेशा के लिए रहेगी। न्यू स्लाइड, अगर मान लो कि कोई नई स्लाइड लेनी है तो उसके हमें यहाँ न्यू स्लाइड दिखाएं, और यहाँ से भी जा सकते हैं और आपको सबसे ऊपर यहाँ पे लेआउट दिखाएं, तो लेआउट में हमें नियर अबाउट आपको 12 टाइप के यहाँ पे लेआउट दिखाई देंगे। तो फर्स्ट लेआउट होता है जो कि हमें टाइटल स्लाइड होती है, जहाँ पे टाइटल और सब्जेक्ट टाइटल ऑथर आता है। दूसरी स्लाइड जहाँ पे हमें टाइटल और उसके अंदर जो कंटेंट आता है। यहाँ पे तीसरा टाइटल जो लिखा है कंपैरिजन, अगर किसी दो फॉर्म में हमें कंपेयर करना है तो उस फॉर्म में वो आ जाता है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ सब टाइटल के लिए आता है। टू कंटेंट, हमारे पास अगर दो कोई कंटेंट है तो उसके लिए हम ये स्लाइड, ये फॉर्मेट, ये लेआउट यूज कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग फॉर्मेट हमारे पास होते हैं। हमारे पास ब्लैंक भी होता है, हम ब्लैंक ले सकते हैं और ब्लैंक लेके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक ब्लैंक फॉर्मेट डाला और ब्लैंक फॉर्मेट को मैं बैकग्राउंड, यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा है, बैकग्राउंड में जाकर मैं उसका कलर चेंज करता हूँ, तो उसको मैंने मान लो येलो कर दिया और डन कर देता हूँ। तो बाकी सारी स्लाइड अलग है, लेकिन मेरे यहाँ जो बैकग्राउंड है वो जो ऑब्जेक्ट था उसको मैंने चेंज कर दिया। तो फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर हमारे पास पता है प्लेस होल्डर एक्टिव नहीं है, मतलब हमारा जो स्पीड होगा उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। और हमारे पास नेक्स्ट फॉर जो आता है फॉर्मेट, इसमें तो सिंपल है, सारे टेक्स्ट हैं, अलाइनमेंट है, लाइन स्पेसिंग है, बुलेट्स हैं, टेबल, क्लियर फॉर्मेटिंग, बॉर्डर लाइंस एंड फॉर्मेट ऑप्शंस। ये सारी जो आपको टेक्स्ट में भी जो सुरेंद्र सर थे उन्होंने बताई थी, फुल क्षेत्र से सॉरी, और ये सारी सेम चीजें हम इसके लिए भी यूज कर सकते हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ पे हमारे पास स्लाइड्स के ऑप्शन आते हैं, न्यू स्लाइड मतलब हमें अगर नई स्लाइड लेनी है तो, डुप्लीकेट स्लाइड मतलब हमें कोई स्लाइड, सेम स्लाइड जो हमने बनाई है फिट करके उसको हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, ब्लेड स्लाइड
अगर एक पर्टिकुलर कोई स्लाइड आपको डिलीट करनी है तो सिर्फ स्लाइड मतलब स्लाइड सिर्फ करनी है तो मैं आपको ये ऑप्शन करके दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट स्लाइड को मैं यहाँ पे सेकेंड स्लाइड को मैं फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ स्लाइड डुप्लीकेट स्लाइड, तो दूसरी स्लाइड जो आएगी वो सेम उसी स्लाइड की जैसे आ जा सकती है। स्किप स्लाइड तो उसको अब ये जब मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो सेकंड स्लाइड मुझे दो बार नहीं दिखे, मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा अभी यहाँ पे आपको दो स्लाइड दिख रही सेम, लेकिन जब मैं प्रेजेंट करता हूँ तो उस टाइम पे आपको सिर्फ एक ही स्लाइड दिखाई देगी, ये फर्स्ट स्लाइड और ये डायरेक्ट दूसरी स्लाइड, बल्कि वहां पे जब हम बनाया था तो वहां पे एक स्लाइड और थी सेम लेकिन वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगी क्योंकि उसको हमने स्किप स्लाइड में रखा है। अब इसके ऊपर क्लिक करके मैं फिर से उसको अनस्किप कर देता हूँ तो स्लाइड मुझे अब यहाँ प्रेजेंटेशन में ये दोनों स्लाइड आपको फर्स्ट स्लाइड होगी सेकंड स्लाइड ये दो स्लाइड आपको यहाँ पे दिखाई देगी सेम। अब किसी स्लाइड का अगर बैकग्राउंड चेंज करना है और उसको मूव स्लाइड मतलब स्लाइड अप डाउन, अब मान लो कि ये स्लाइड है और इस स्लाइड को मुझे मूव करना है एट द एंड, तो इस स्लाइड को देखो स्लाइड अप मतलब एक स्लाइड अप जाएगी, स्लाइड डाउन मतलब एक स्लाइड डाउन जाएगी, स्लाइड टू द बिगिनिंग मतलब फर्स्ट स्लाइड हो जाएगी और स्लाइड टू द एंड तो लास्ट स्लाइड है, मैं इसको स्लाइड एंड कर देता हूँ तो यहाँ से स्लाइड निकल के आपको सबसे लास्ट में ये स्लाइड आपको यहाँ पे दिखेगी, तो इस सबसे लास्ट में ये रही आपकी ये सीन जो कि पहले नहीं थी। फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं फॉर्मेट सॉरी स्लाइड में चेंज बैकग्राउंड। अब किसी भी स्लाइड का हमें बैकग्राउंड चेंज करना है जो कि जिसके ऊपर हमें लिखना है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, चेंज बैकग्राउंड इसका कलर चलो पेंट कर लेते हैं, डन इसका जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करते हैं हम। ये लेआउट है जो हमने देखा है ऑप्शन, अप्लाई लेआउट इसमें से हम जो भी लेआउट आपको रिक्वायर्ड हो ट्रांजिशंस जो हमने अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन देखे थे वो ट्रांजिशन यहाँ पे भी आते हैं। एडिट मास्टर मतलब जो मास्टर स्लाइड होते हैं उसको हम चेंज करते हैं तो सारी स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, हर स्लाइड में जाकर हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल क्या आपको लगता है कि आपका टाइटल या आपका बॉटम जो है वो बहुत पास पास में है, तो बॉटम और टाइटल को अगर आपको हर स्लाइड में जाकर एडिट करनी जरूरत है, आप मास्टर स्लाइड में अगर उस स्लाइड का जो फॉर्मेट है या लेआउट है उसमें चेंज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट होता है चेंज थीम। अब थीम यहाँ पे जो इस स्लाइड में देखा हमने सबसे शुरुआत में देखा था इसमें से कोई भी थीम हम ले सकते हैं, मान लो ये स्लाइड सिलेक्टेड है उसको मैं ये थीम अप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा इस स्लाइड का जो फॉर्मेटिंग है वो उस थीम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू है इसलिए स्लो हो रहा है। तो इस स्लाइड का थीम ये चेंज कर देते हैं, यहां पे थीम क्या होगी जो हमने सिंपल डार्क सेलेक्ट की थी वो सिंपल डार्क सबके लिए अप्लाई हो गई यहां। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आता है स्लाइड में चेंज स्लाइड थीम के बाद अरेंज आता है ऑर्डर, मतलब ये जो स्लाइड में अगर मान लो तीन से चार पिक्चर है या किसी को आपको ओवरलैप करना है एक दूसरे के ऊपर तभी हम ऑर्डर यूज करते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, इस टेक्स्ट के ऊपर मैं
डायग्राम इंसर्ट करता हूँ एक, और वो डायग्राम हमें ऊपर नीचे करने उस टाइम पे जो इशू होता है वो इशू होता है। अब ये डायग्राम हमने इसके ऊपर इंसर्ट कर दी, मुझे कई चीजें ऊपर लानी, कई चीजें बैकग्राउंड। अब यहाँ पे दो ऑप्शन नहीं, तीन ऑप्शन होते हैं, मान लो तीन चीजें हैं तो उसको मैं कैसे अरेंज करूँ। अब यहाँ पे अरेंज में देखूंगा आप ऑर्डर है ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड। फ्रंट एंड फॉरवर्ड में ऐसा है कि सबसे ऊपर जो आएगा फ्रंट पे आएगा, फॉरवर्ड मतलब कि जो लास्ट वाला तीन स्लाइड है तो तीन में से सेकंड हो जाएगी वो। अब मैं यहाँ पे ये जो सबसे नीचे है यहाँ पे एक ऐड करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक सर्कल हमने क्या एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। अब इस सर्कल को मुझे कहीं ना कहीं सबसे पीछे लेके जाना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं अरेंज करके अब ये अरेंज करके मैं इसको टेक्स्ट के पीछे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं इसको बैकवर्ड कर देता हूँ। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, वहां पे हो नहीं पा रहा क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। तो स्लाइड्स, अरेंज, ऑर्डर और बैक, इस टेक्स्ट को यहाँ पे लिखता हूँ वेबिनार। वेबिनार पीछे है तो इसको अगर हमें आगे लाना है ब्रिंग टू फ्रंट, तो अब ये वेबिनार जो है उस सर्कल के ऊपर आते हैं। और वैसे ही सेम हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, तो हमारे पास अलग अलग ऑर्डर के अकॉर्डिंग बैकवर्ड, अभी बैक चला जाएगा तो बैक हो यहाँ पे काम है। अलाइनमेंट का ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन ये स्क्रीन पे भी एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, ये मैं इसको डिलीट करता हूँ तो निकल जाएगी। तो ये ऑप्शन अलाइनमेंट मतलब जो कि वर्ड में होते हैं सेम ऑप्शन है हमारे पास, में बेसिकली चार अलाइनमेंट होते हैं हमारे पास, लेफ्ट, राइट, सेंट्रल और जस्टिफाइड, वो चार अलाइनमेंट यहाँ पे। और फिर यहाँ पे तीन ऑप्शन है अपर साइड, मिडल साइड और तो लोअर स्लाइड बॉटम, मतलब अप मिडल और बॉटम, ऐसे तीन ऑप्शन ये भी आते हैं। ये बाकी लाइन स्पेसिंग का आता है, ये नंबर्स का आता है, ये बुलेट्स का आता है, और ये जो होता है हमारे टेक्स्ट को जो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, ये दो ऑप्शन आते हैं जिसको हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड को ले सकते हैं या थोड़ा सा राइट साइड को हम मूव कर सकते हैं। जैसे हमें मान लो कि इसमें मैं मानता हूँ देर इज, अब फर्स्ट चीज को मुझे आगे ही रखना है और बाकी जो नीचे वाली चीजें हैं तीन को मुझे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लेना है, तो मैं इसको इंक्रीज करता हूँ। तो ये धीरे धीरे उस साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि मेन जो पॉइंट हमारा वो दिखता है, उसके सब पॉइंट क्या है उसको क्लैरिटी आ जाती है। सेंटर टू पेज हॉरिजॉन्टल रोटेट कर सकते हैं हम स्लाइड को, और उसके कंटेंट को ग्रुप कर सकते हैं और अनग्रुप कर सकते हैं। अगर स्लाइड्स को ग्रुप्स करना है तो स्लाइड ग्रुप्स हो जाएगी एक साथ, और अनग्रुप भी कर सकते हैं। अरेंज करके आगे चलते हैं टूल्स, टूल्स में जनरली सारी चीजें सर ने बताई है, फिर भी मैं इसमें से एक चीज जो बची है, जैसे मान लो इसमें स्पेलिंग का तो थी, स्पेलिंग चेक है, अंडरलाइन एरर्स है और पर्सनल डिक्शनरी है, ये सारी चीजें यहाँ पे आई है। उसके बाद एक्सप्लोर जो होता है इस कंटेंट को लेके, इस कंटेंट के बारे में और इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं टूल्स में। हम मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करता हूँ तो इस साइड में आपको ये एक्सप्लोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां पे आपको यहाँ पे मतलब जो why should I know the learning styles, इसको किस किस फॉर्म में दिखाई दे सकता है या दिखा जा सकता है वो यहाँ पे अलग अलग स्लाइड्स पे बताया गया। मैं इसमें से एक क्लिक करता हूँ तो ये इस फॉर्म में भी दिख सकता है, ये
इस फॉर्म में भी देख सकता है और ये इस फॉर्म में भी देख सकता है। तो यहाँ पे क्या है, गूगल टूल्स आपको हेल्प करता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन वो बेटर हो पाए। तो टूल्स में ये क्वेश्चन आंसर हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ डिक्शनरी है जो वर्ड्स हम क्लिक कर सकते हैं। जनरली हम क्या राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास सिनोनिम्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम डिक्शनरी डायरेक्ट यहाँ देख सकते हैं कि हम जो वर्ड्स टाइप करें उसके लिए क्या मीनिंग होता है आपकी लैंग्वेज में। क्वेश्चन आंसर हिस्ट्री में इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में, इस पर्टिकुलर स्लाइड के लिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा था उसको मैं नोट डाउन कर सकता हूँ। तो मान लो उस टाइम पे उस क्वेश्चन का मैं आंसर दे पाता हूँ नहीं दे पाता हूँ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिखा है या उस इस स्लाइड के लिए क्या क्या क्वेश्चन रेज हो सकते हैं और उसके लिए मैंने क्या आंसर दिया था उसकी हिस्ट्री भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। टूल्स में वॉइस टाइप है जो सर ने दिखाया था वो सेम यहाँ पे भी होता है, रेफरेंस प्रेफरेंस होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम ये देखते हैं ये कितनी सारी चीजें हमारे पास है, यूज स्मार्ट कोट्स, ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड लिंक्स, ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड लिस्ट, सजेस्ट कॉन्टेक्ट्स इन कमेंट्स एंड शो डिटेल्स, ये सारे ऑप्शन है। सब्स्टिट्यूट भी है उसके लिए, मतलब हम किस चीज के लिए क्या यूज कर सकते हैं और क्या ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिया है हाफ लिखना है हमें, हाफ तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली जो सब्स्टिट्यूट दिए जाते हैं वो है, उसको मैं कैंसिल करता हूँ। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो टूल आता है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग। अब एक्सेसिबिलिटी सेटिंग ये मतलब विजुअल इंपेयरमेंट के लिए स्पेशली यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे मैं सारी चीजें मैंने ऑन करके रखी है, सारी चीजें मैं पहले ऑन करता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी फीचर इसमें से दिखेगा नहीं क्योंकि इसके लिए हर चीज में बोला गया है रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेल सपोर्ट एंड द कोलैबोरेटर अनाउंसमेंट। अब ये जैसे ऑप्शन में टिक करता हूँ तो नीचे के दो ऑप्शन ऑन होते हैं, लेकिन टर्न ऑन द ब्रेल सपोर्ट, वर्क विद द थर्ड पार्टी ब्रेल हार्डवेयर, मतलब इसमें कोई ना कोई थर्ड पार्टी ब्रेल हार्डवेयर जो आप जॉ एनवीडीएस ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको यूज करना पड़ेगा। टर्न ऑन द कोलैबोरेटर अनाउंसमेंट्स, और यहाँ पे मैं टर्न ऑन द स्क्रीन मैग्निफायर यूज करता हूँ तो वर्क विद द थर्ड पार्टी स्क्रीन मैग्निफायर सॉफ्टवेयर। तो ये सारे सॉफ्टवेयर मेरे अगर लैपटॉप में इनबिल्ट है तब जाके ये काम कर सकता है, तब जाके हम स्क्रीन रीडर, स्क्रीन को मैग्निफाई करना, स्क्रीन मतलब स्पीकिंग जो होता है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे कहीं ना कहीं आ सकते हैं। तो ये टूल्स में ये सारे, तो ये एक्टिविटी डैशबोर्ड है, यहाँ पे जो हमने एक्टिविटी की है उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये ओवरऑल एक्टिविटी होती है यहाँ पे। ये एडवांस है जो सर ने बताया वो सेम ही है, और ये हेल्प है, यहाँ पे हम अलग अलग तरीके हेल्प का जो ऑप्शन आता है वो ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट में देखेंगे आप तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स, मतलब जो भी ऑप्शन यहाँ हमने जाके देखे वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको कीबोर्ड शॉर्टकट से मिल जाएंगे, जितने भी है डुप्लीकेट विथ माउस द कंट्रोल एंड ड्रैग आता है। अगर मान लो यहीं पे हम अगर किसी भी चीज के लिए एक शॉर्टकट में आपको बताना चाहता हूँ तो डुप्लीकेट के लिए है कंट्रोल प्लस डी, जैसे को शॉर्टकट हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके के ऑप्शंस ये हमारे पास आते हैं तो जिससे हम प्रेजेंटेशन अपना बेटर बना पाते हैं। और जो बेनिफिट सर ने वर्ड डॉक के लिए बताया कि ऑनलाइन है, इसको एडिट नहीं करना है, तीन चार लोग साथ काम कर सकते हैं, वो सारे फीचर्स इसमें इसके लिए भी अप्लीकेबल होते हैं क्योंकि गूगल डॉक्यूमेंट्स या गूगल टूल्स आते हैं उसमें से डॉक्यूमेंट्स पहले आता है या जो भी आता है, फिर उसके बाद एक्सेल शीट आता है, तो उसके साथ साथ ही प्रेजेंटेशन भी आता है। और ये शेयर ऑल ऑप्शन यहाँ पे आता है, कोशिश करता हूँ कि मैं मैक्सिमम कवर किया होगा, फिर भी अगर कोई बचा हुआ है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये प्रेजेंटेशन मतलब पूरा तो नहीं हुआ लेकिन प्रेजेंटेशन हो गया, एक बार मैं इसको प्रेजेंट करके दिखाता हूँ। अब ये जो तो इसके पीछे जो एलिफेंट लगा है इसको भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड जो होता है किसी भी स्लाइड का बैकग्राउंड भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हम छोटे बच्चों के लिए अच्छा अट्रैक्टिव लगने के लिए ये बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे वो एलिफेंट वाला ऐड किया हुआ है, तो ये भी हम यहाँ स्लाइड में इंसर्ट करके यहाँ इंसर्ट ऑप्शंस में जो हम इमेज इंसर्ट करते हैं उस टाइम पे हम इंसर्ट कर सकते हैं इस बैकग्राउंड की स्लाइड के, और उस पिक्चर को हम फिर जो अरेंज में हमारे पास ऑर्डर आती है उसको अरेंज करके हम मूव टू बैक जो ऑप्शन होता है उस ऑप्शन से उसको जो हमारे टेक्स्ट होते हैं टेक्स्ट के पीछे लगा सकते हैं।
जो हमारी स्लाइड एक्सपेरिमेंट करके जो बनी है ये है, इसके लिए अलग अलग फीचर्स ये लगे। तो व्यू आ रहा है, ट्रांजिशन है, मोशन आ रहा है, इसको हम गैलरी व्यू कहते हैं, जो गैलरी की तरह दिख रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं दूसरे दो तीन प्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि ऑनलाइन भी नहीं है लेकिन ऑफलाइन भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, जिससे जैसे मान लो प्रोजेक्ट ये जो हम देखते हैं, यहाँ पे ये मेरा नहीं है लेकिन एक जो वर्कशॉप में अटेंड किया था वहां से लिया। यहाँ पे एक साहिल करके लड़के को एससी यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वहां पे अटेंड किया था उनका है। तो उन्होंने पावर पॉइंट बनाया है जहाँ पे कि जनरली पावर पॉइंट के बेसिस पे ही हम देख सकते हैं कि जो आप कौन बनेगा करोड़पति जो फेमस गेम है वो कैसा लगता है। फर्स्ट क्वेश्चन वहां पे 5000 के लिए वो ऑप्शन आए, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन वहां पे आ गए फिर से, क्योंकि वो दिखता है फिर ऑप्शन आ गए। टाइम टाइम के लिए वहां पे ऊपर उन्होंने सर्कल दिया हुआ है, दोनों ने फर्स्ट वाला ऑप्शन 50-50 वाला चूज किया और उसमें से पूछा। तो राजेंद्र दास करेक्ट आंसर आया, तो उसके लिए फिर हम सेकेंड क्वेश्चन पे आए। सेम चीज नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यहाँ पे हम टाइम आता है, टाइम के लिए हम पूछते हैं रुपीज, करेक्ट ऑप्शन आएगा। उससे तीसरा क्वेश्चन 20,000 के लिए, अभी लग रहा है पीपीटी प्रेजेंटेशन लेकिन सॉरी ये लग रहा है कि कंप्यूटर में ऑटोमेटिक हो रहा है लेकिन ये पीपीटी प्रेजेंटेशन ही बनाया हुआ है जो कि है। ऐसी सेम गेम्स भी बनाई जा सकती है, हम छोटे बच्चे के लिए गेस स्पॉट का जो गेम आता है वो हम कर सकते हैं। क्लिक पे वहां पे हमने किया, तो ऐसे मतलब बहुत सारे बने हुए हैं, तो हर एक क्लिक पे हर एक इसमें देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे बने हैं। और ये जो टेम्पलेट्स होते हैं, और टेम्पलेट्स पे हम क्या है कहीं ना कहीं से ऑनलाइन हमारे पास बहुत से सोर्सेस हैं जहाँ पे हम ये टेम्पलेट्स वहां से बोरो कर सकते हैं अपनी पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए। अगर मान लो कोई टेम्पलेट या कोई डिजाइन पर्टिकुलर आपको अच्छा नहीं लगता, तो उस पर्टिकुलर डिजाइन को आप बाहर से जो हमारे पास बहुत सारी साइट्स हैं जहां से आप उसको ले सकते हैं और अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अपने आप को रोकता हूँ, और कुछ डाउट कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ बचा है तो उसमें से हम कवर कर सकते हैं। आई होप कि मतलब मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं अपना अपने तरीके से समझाऊं कि समझ में आए सबको। जी सर, आपने बहुत ही सरल तरीके से हमें पीपीटी बनाना गूगल पे सिखाया, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने जाना कि कैसे थीम चेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं पीपीटी बना के, ब्रोशर बना सकते हैं, किस तरह गूगल टूल्स यूज कर सकते हैं, और वीडियोस कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑडियो, इमेज, डायग्राम। मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्रतिभागी को ये बहुत आसान लगा हुआ, जो कि हम नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर से यूज करते हैं। अब मैं अपने नेक्स्ट विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज जी, जो कि इंचार्ज एनएएल, इंचार्ज एल लो विजन यूनिट, इंचार्ज सिक्योरिटी, और इन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल वेबिनार करवाए हैं, और इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ पैरामीटर्स फॉर क्वालिटी प्रोफाइलिंग ऑफ स्कूल्स फॉर द ब्लाइंड भी काम किया है। तो डॉक्टर पंकज प्लीज सर।
थैंक यू सर, मैं समय की मर्यादा पूरी रखूंगा कि 5 बजे तक खत्म हो। मैं इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लगभग सारे फीचर्स दोनों सर ने कवर किए, कुलश्रेष्ठ सर और हमारे धनंजय सर ने, तो मैं सिर्फ एक चीज मैं यहाँ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे अगर गूगल डॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो किस प्रकार से गूगल डॉक्स को आप ज्यादा एक्सेसिबल बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो एक गूगल डॉक्स पे आप काम कर सकते हैं। ये तो एक किसी के लिए भी एक जरूरी एस्पेक्ट है, इसमें सभी शामिल है, आप कोई भी शामिल है। लेकिन दूसरा एक होता है कि अगर एक आउटपुट आप तैयार करते हैं, क्योंकि अगर विजुअली इम्पेयर्ड साथियों में भी देखें तो कई लोग कितने टेक्निकल टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होते हैं, नहीं हो सकते। तो एक एस्पेक्ट है कि जिसको हम लोग को देखना चाहिए कि अगर मान लीजिए हम एक गूगल डॉक्स पे कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो हम इसको कैसे ज्यादा बना सकते हैं। तो मैं पहले शेयर करना चाहता हूँ एक डॉक्यूमेंट, जैसा कि कुलश्रेष्ठ सर ने आपको सिखाया कि ब्रोशर कैसे बना सकते हैं, फिर धनंजय सर ने आपको बताया कि स्लाइड्स कैसे बन सकते हैं। तो मैं ब्रोशर को लेता हूँ कि हमारे यहाँ 14 और 15 मई को एक वेबपोर्टियम हुआ था, तो उसके ब्रोशर को मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा ब्रोशर दिख रहा होगा आपको, तो ये ब्रोशर जो है ये एक उस कॉन्फ्रेंस के लिए मान लीजिए बनाया। तो अगर आप कोई भी ऐसा ब्रोशर बनाते हैं, किसी तरह का भी, पिक्चर हो ना हो वो अलग बात है, बहुत सारी चीजों को आप डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं, ये और बहुत सारी चीजों को और हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन सिंपली आपके पास एक डॉक्यूमेंट है और आप चाहते हैं कि उसे करें। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप शायद आपने सुना होगा कि ईपब एक बहुत ही एडवांस फॉर्मेट है जिसमें आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर सेव करते हैं तो वो ज्यादा एक्सेसिबल होता है। और कैसे होता है इसको भी हम लोग अभी तय करते हैं। यह तो एग्जांपल एक देखते हैं, मान लीजिए जैसे ये मेरे पास एक बना बनाया डॉक्यूमेंट है, ब्रोशर है गूगल डॉक्स पे, और इस गूगल डॉक्स पे आप जाए यहाँ फाइल पे, जो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे टॉप पे एक टैब है वो फाइल का टैब देख पा रहे हैं सब लोग इसे, कोई एक बोल रहे जी 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 प्लीज। अगर आए तो आपको एक जैसे आप जैसे करते हैं फाइल में, तो बहुत सारा डाउनलोड का सबसे पहले ही ऑप्शन आता है डाउनलोड। इस डाउनलोड को अगर आप क्लिक करते हैं, नहीं भी करते हैं तो ऑटो आप वहां कर्सर ले जाते हैं, तो वो बहुत सारे फिर एक अलग से फिर टैब खुलता है, विंडो खुलती है वहां पर, और ये आपको डॉक्यूमेंट बताते हैं किस फॉर्मेट में आप चाहते हैं। यूजुअली लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कन्वर्ट करते हैं और या फिर पीडीएफ जाते हैं। आप सबसे लास्ट में जाएं तो आप पाएंगे कि एक फॉर्मेट और अवेलेबल है जिसे कहते हैं ईपब पब्लिकेशन। तो आप अगर किसी को ज्यादा एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं तो ईपब पब्लिकेशन में डाउनलोड कर, जैसे मैंने यहां किया और ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, देखिए डाउनलोड हो रहा है मेरे सिस्टम में, आपको दिख भी रहा होगा वो नीचे डाउनलोड हो रहा है। तो ईपब में अगर आपने बनाया है डॉक्यूमेंट को, और अगर इस डॉक्स बनाते समय आपने टाइटल सब टाइटल हेडिंग्स इन सब का ख्याल रखा है, तो इसी तरह से वह ईपब अपने आप में वो नेविगेशन को फिक्स कर देता है। इसलिए एक सजेशन है यहां पर कि आप जब भी इस तरह के डॉक्यूमेंट बनाएं तो आप हेडिंग्स में टेक्स्ट को ये सबको पहले डिसाइड कर लें, क्योंकि अगर ये अगर आप चेंज करते हैं, आप अभी अच्छे से डिसाइड नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप अच्छे से नेविगेशन को नहीं फिक्स कर पाएंगे। तो ठीक, मैंने ये डाउनलोड कर लिया। यूजुअली क्या होता है कि लोग अब मैं इसे शेयर करता हूं किसी को, मान लीजिए इसको मैंने ही खुद अपने मोबाइल पे शेयर कर दिया, तो आपके सामने अगर मान लीजिए अगर अब मैं स्क्रीन प्रेजेंटेशन ऑफ कर रहा हूं, सो स्टॉप कर रहा हूं प्रेजेंटेशन, और मेरे पास देखिए कि एक मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, आप कहीं जाए प्ले स्टोर पे जाए इसके, और एक डॉल्फिन इजी रीडर सॉफ्टवेयर होता है, मैंने यहाँ डाल करके रखा है डॉल्फिन इजी रीडर सॉफ्टवेयर, आपके मैं नजदीक ले जा रहा हूं, आप एक सिंपल सा देखेंगे कि डॉल्फिन इजी रीडर है, ये येलो कलर का एक बुक खुला हुआ सा रहेगा, आप उसे आप अपने यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखें प्ले स्टोर पे जाएं, डॉल्फिन इजी रीडर, डॉल्फिन अलग है, इजी रीडर डॉल्फिन एक कंपनी है जो एक्सेसिबिलिटी के रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाती है, और इसने जो इजी रीडर सॉफ्टवेयर इसको ओपन दिया है। तो आप इस सॉफ्टवेयर को जैसे अपने में डालते हैं, मैंने डाला और मैंने इस जो अभी मेरे पास मैंने डाउनलोड किया था उसको मैंने अपने आप पे मेल भी कर लिया, या मान लीजिए कि मैं बनाता हूँ किसी दूसरे, आपको मैं मेल कर देता हूँ। तो आप अगर डॉल्फिन इजी रीडर रखते हैं
हमने कुछ नहीं किया था उसमें, कोई सॉफ्टवेयर अलग से नहीं डाला, मेरे मोबाइल में भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, केवल डॉल्फिन इजी रीडर है। लेकिन क्या हो रहा है कि आप देखिए कि मैं इसे, मैंने खोला उसे, उस डॉक्यूमेंट को, एम्पावरमेंट पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज टू विन चिल्ड्रन इन एसोसिएशन विद डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी। आप लोग सुन पा रहे हैं? तो जी है, जी है। ये डॉक्यूमेंट अपने आप में एक्सेसिबल हो गया, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, कोई स्क्रीन रीडर की भी जरूरत नहीं पड़ी। और इसमें एक फीचर अच्छी बात ये होती कि डॉक्स में अगर आप पढ़ रहे होते तो कोई दूसरा ऐप यूज नहीं कर सक रहे होते, जबकि आप डॉल्फिन इजी रीडर में जब आप किसी डॉक्यूमेंट को एक्सेस करते हैं तो पैरेलली आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, जैसे कैसे आप म्यूजिक सुनते हुए भी कुछ और कर सकते हैं, सिमिलरली आप डॉल्फिन इजी रीडर पे कोई भी काम कर रहे हैं तो इस तरह से आप इस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बहुत अच्छी बात जो इन्होंने बताया, धनंजय सर ने बताया, आप उसको फिर से एक बार ट्राई करें। मैं फिर एक दिखाना चाहता हूं आपको, फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं कि आप जैसे कोई डॉक्यूमेंट को जाते हैं तो इसके आप बहुत सारे इसमें फीचर है, मान लीजिए टूल्स हैं, तो टूल्स में, टूल्स का फाइल है, एडिट है, बहुत सारे टैब बने हुए, आप टूल्स में जाएं, टूल्स में आता है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग। यदि आपके सिस्टम में स्क्रीन रीडर है, NVDA है, जैसा उन्होंने बताया, जॉज है, तो ये अपने आप इसको आपके लिए उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट को आपको प्रोवाइड कर देगा। आप उस तरह का सपोर्ट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जरूरी है कि आप इसको टर्न ऑन कर दें ताकि जो आपका स्क्रीन रीडर सपोर्ट है वो इस डॉक्यूमेंट में भी मिल जाए। इसी तरह से अगर मैग्नीफायर का आप सपोर्ट चाहते हैं तो मैग्नीफायर सपोर्ट को यहां ऑन कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से देखते हैं कि ये बहुत सारे हमारे पास ऐसे फीचर अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है इस गूगल डॉक्स में और गूगल स्लाइड्स में, जिससे हम डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा एक एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट्स हम बनाने की ओर ले जा सकते हैं। तो मैं सिर्फ आज छोटा सा ये एग्जाम्पल दिखा करके खत्म करता हूं कि ये हम लोगों ने देखा। मैं फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसको जरूर ट्राई करें, गूगल डॉक्स में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए, फाइल में जाए, डाउनलोड करें, डाउनलोड एज ईपब करें, और ईपब में डाउनलोड करने के बाद अगर किसी भी डिवाइस में भेजें, चाहे किसी भी मोबाइल में हो, किसी में भी हो, डेस्कटॉप में हो, इसमें भी, हमारे डेस्कटॉप में भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जो आपका ये प्ले कर देंगे, ईपब को प्ले कर देंगे। तो जो आप डेजी प्लेयर जिसका नाम सुनते हैं वो एक्चुअली सभी के सभी ईपब को सपोर्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम लोग डिसेबिलिटी के फील्ड में काम कर रहे हैं और डेजी प्लेयर के बारे में सब जानते हैं। तो डेजी प्लेयर मतलब कि ईपब जो होता है डेजी का एक अगला स्टेप है। जैसे हम डेजी को 2.0 मानते हैं तो डेजी 3.0 को हम ईपब का ही फॉर्मेट कहते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को हम ईपब में कन्वर्ट करते हैं। अगर ईपब में कन्वर्ट करते हैं तो इजीली वो कन्वर्ट हो जाता है, एक ब्रोशर जैसे मान लिया हमने बनाया, वो ब्रोशर ही कन्वर्ट हो गया ईपब में, और वो ईपब एक्सेसिबल होगा, आसानी से कोई पढ़ सकता है, इसमें वीडियो इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऑडियो इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर वो खुद ही पढ़ करके सुना देगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय समाप्ति की ओर है। तो सभी का यहाँ पर जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अब सर का बहुत बहुत धन्यवाद, मनीष सर ने आज हमारे हमारे बीच रहे और इस कार्यक्रम का संचालन किया सर ने, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद आप लोगों का, और हमारे निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमने इंस्पायर किया इस तरह के काम को करने के लिए। धन्यवाद।